वेरी गुड आफ्टरनून एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस फाइनली uh, जो है आपका जो है एक मैराथन आया है उस पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून निवेदिता, अनुराधा फाइनली इतने दिनों के बाद में आपकी जो है इस साल की अंतिम मैराथन है जिसपे एक जबरदस्त सेशन लेकर के आप सभी के बीच में राधे राधे जय श्री कृष्णा सबसे पहले तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लो ठीक है सबसे पहले तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लो फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून चलिए शुरू करते हैं अच्छा तो सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि आज आखिर क्लास में होगा क्या? ठीक है? है आज आखिर क्लास में होने क्या वाला है तो आज गला भी ठीक है बिल्कुल नहीं गला वाला वगैरह ठीक है सही है नहीं सही है वो साइड की बात है ठीक है अभी आज सेशन में क्या होगा हमने सुबह अपनी क्लास में डिस्कस भी किया था कंप्लीट एनसीआर समरी देखो भाई एनसीआर ना बहुत बड़ी है सिक्स सेवेंथ एट्थ तीनों एनसीआर मतलब तीनों क्लास कवर करना एक एक पॉइंट को कवर करना बड़ी चीज होता है ठीक है तो हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे करके चीजें करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्लास एर्थ की एनसीआर मतलब आप देखोगे छोटा छोटा पॉइंट भी आपको आपका जो है निकाला गया छोटा छोटा पॉइंट ठीक है है फिर हम लोग जो है, क्लास सेवेंथ की एनसीआर करेंगे फिर जो है हम लोग क्लास सिक्स की एनसीआर करेंगे ठीक है इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा अच्छा कुछ लोग कहेंगे अरे मैम ये तो हमें आता है भाई आता है तभी तो क्लास आई है रिवीजन करने के लिए आए बहुत सारे टॉपिक आप देखोगे आपको पहले से करवाए जा चुके सीखे हुए हो है ना और इन सबके साथ में अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी के जो फैक्ट लिखे होते वो भी आपको मिलेंगे साथ ही पी साथ पीवाईक्यू भी मिलेंगे और मैंने इसमें 2023 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन भी मैंने टॉपिक वाइज ऐड कर दिए हैं इतनी सारी चीजें मैंने करी हैं तो पहले क्लास 8 फिर क्लास 7 और फिर करेंगे तो अब शुरू करने जा रहे हैं थोड़ी बातचीत आज हमारी कम होगी बातचीत इनसे ज्यादा होगी क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है हम आपको बता रहे हैं 500 प्लस पेज की फाइल है और उस पूरे को दो घंटे तीन घंटे जब तक आप हमारे साथ बने रहोगे तब तक ये पूरा मतलब आवाज गले से निकलती रहेगी और जैसे हमें लगेगा कि आप नहीं पढ़ने पढ़ने में पढ़ना चाह रहे हो, फिर जो है चीजें कम कर दी जाएंगी लेकिन हमें पता है कि इतने दिनों मेरा ना टाइम वेस्ट हो रहा है या हम बाद में टू एक्स की स्पीड में देखेंगे क्योंकि तुम्हें पता है मेरी स्पीड क्या है वन पॉइंट फाइव एक्स स्पीड तो है ही मेरी ठीक है तो एक बार सारे बच्चे फायर वाला साइन भेजेंगे फायर वाला क्यों क्योंकि भाई सर्दी बहुत ज्यादा है है ना आग लगनी चाहिए सेशन में फिर हम चीजों को शुरू कर रहे हैं ठीक है एक बार जल्दी से सारे बच्चे और अपने सबको बुला लो ताकि भीड़ ना बहुत ज्यादा हो जाए तुम लोग के बीच में कंपटीशन तगड़ा वाला होना चाहिए सारी पूरी पीडीएफ हम आपको दे देंगे ठीक है पीडीएफ हम आपको दे देंगे जल्दी से सारे बच्चे सारे बच्चे अभी अभी आग कम लगी है आग अभी कम लगी है एक बार लगे तो फिर हम शुरू कर देते हैं ठीक है चलो अच्छा सबसे पहले अगर हम क्लास एट्थ की बात करते हैं ठीक है क्लास एट्थ की बात करते हैं ये चीजें पढ़ चुके चुके उसके पहले बता हैं तो बहुत बिल्कुल वो वाली तेजस एक्सप्रेस की स्पीड से जो है हम आपको ये रिवाइज करवाएंगे ठीक है टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ठीक है टॉपिक है हमारा पहला चैप्टर क्लास एट्थ का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फसलें कितनी प्रकार की होती हैं ठीक है फसलें कितनी प्रकार की होती हैं तो आपको पता है मौसम को देखते हुए पूरे साल को देखते हुए तीन प्रकार की फसलें होती हैं एक होती है खरीफ की फसल एक होती है रबी की फसल और एक होती है जायद की फसल ठीक है रबी की फसल खरीफ की फसल जायद की फसल खरीफ की फसल कब होती है तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है अच्छा एक चीज और आज का हर एक पेज बायिंग है हर एक टॉपिक बायोलिंग है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है लग गई आग चलो भाई फिर खेलो ठीक है खरीफ की फसल कब बोई जाती है वर्षा ऋतु में बोई जाती है ठीक है 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 बारिश के सीजन में जो है ये बोई जाती है। इसके अलावा इसका टाइम पीरियड क्या है? तो जून से लेकर के सितंबर तक इसका टाइम पीरियड के लिखो इस पॉइंट को ताकि आप एग्जाम टाइम रिवाइज ना करना पड़े कि जून से लेकर के सितंबर तक का खरीफ का समय होता है रफ कॉपी लेकर के बैठो उसमें लिखो ठीक है उसमें लिखो बिल्कुल ऐसे करके पॉइंट बना करके जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे लिखते जाओगे यही तो पढ़ने का तरीका यही तो होता है अच्छा वाला कि पॉइंट बनाओ खरीफ की फसल वर्षा ऋतु तो। फिर दूसरा पॉइंट बनाया टाइम पीरियड क्या है जून से सितंबर तक की तो अब मैंने बता दिया पढ़ना कैसे है अब आपकी जिम्मेदारी खरीफ की मुख्य फसल क्या होती बिल्कुल क्वेश्चन भी होंगे क्वेश्चन भी होंगे चिंता मत करो ठीक है धान मक्का सोयाबीन और मूंगफली ठीक है और कपास ये रट लो एकदम जिसको कहते हैं धान मक्का सोयाबीन मूंगफली और कपास ये आपकी क्या होती है खरीफ की मुख्य फसल होती है चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज की क्लास का आज की क्लास का पहला प्रश्न और जो पढ़ाया गया है जो आपको अभी थ्योरी दी गई है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखोगे एक एक नाम मैच करेगा आपका निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय कौन सा है खरीफ फसलों का समुच्चय कपास धान मटर अलसी धान मक्का कपास सोयाबीन बहुत तेजी से आंसर करेंगे पोल भी मैंने दे दिया कि हैंग कर जाए हैंग कर जाए पोल इतनी तेजी से आप सभी बच्चों को आंसर करना है ठीक है इतनी तेजी से आप सभी बच्चों को आंसर करना है जल्दी से खरीफ फसलों का धान मक्का कपास और सोयाबीन ठीक है धान मक्का धान मक्का कपास और सोयाबीन यही से नाम लिख करके आ गए तो एक नंबर आप सबके पक्के हो गए ठीक है इसके अलावा अभी रवि की फसल पढ़ेंगे फिर जाकर के हम लोग रवि का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही और शुरुआत जबरदस्त हुई है साल का तो अंत है लेकिन शुरुआत अपनी बहुत जबरदस्त है अब हम रवि की फसल देखेंगे रवि की फसल कब की फसल होती है जैसे इस टाइम जो है रवि की फसल चल रही है शीत ऋतु का समय ठीक है शीत ऋतु में रवि की फसल अक्टूबर से मार्च तक का टाइम पीरियड रवि का होता है जिसमें कि कौन कौन सी फसलें गेहूं चना मटर सरसों अलसी गेहूं चना बार बार लिखो इसको बोलो अपने जगह पर नहीं तो कहते हो मैम नाम नहीं याद होते इतने ही नाम याद कर लो यही पूछ लिए जाएंगे गेहूं चना मटर सरसों अलसी गेहूँ चना मटर सरसों बार बार बोलो ठीक है इसके अलावा कई स्थानों पर गर्मियों के दौरान दालें, सब्जियां ये सारी द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर मार्च) चलो भाई फटाक से आंसर बताओ जल्दी से इसके अलावा बताना रवि की फसल का मुखी मुख्य फसल कौन सी होती है रवि फसल का मुख्य फसल कौन सा होता है गेहूं सरसों सरसों धान धान मटर मटर मक्का जल्दी से बताएंगे ए वाला आंसर गेहूं और सरसों बिल्कुल सरसों का साग खाते हो ना इस समय धान तो आपको पता है खरीफ की मुख्य फसल होती है खरीफ की मुख्य फसल होती है ऑप्शन तो नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इतनी बड़ी फाइल है कि हैंग कर रहे हैं चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक ये वाला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ रबी क्रॉप ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है चार रबी फसलों का समूह चना सरसों मटर गेहूं चना सरसों धान सोयाबीन मूंगफली सरसों जल्दी जल्दी से बताएंगे थोड़ी सी स्पीड ज्यादा करेंगे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि ना चीजें इतनी ज्यादा है कि कवर करना शायद मुश्किल हो जाए लास्ट में बहुत अच्छे बहुत बढ़िया अशोक श्रद्धा राज दिव्या बिल्कुल ग्राम मस्टर्ड पी एंड चना सरसों मटर गेहूं ए वाला ऑप्शन अब देखो कृषि पद्धतियां कुछ होती है हमारी कृषि पद्धतियां यानी कि हम खेती करते किस तरीके से हमें ये तो पता चल गया रवि की फसल खरीफ की फसल जायद की फसल अच्छा हमने जायद की फसल के बारे में जिक्र नहीं किया जायद की जो फसल होती है ये गर्म की फसल होती है या ये कह सकते हैं मई जून जुलाई ठीक है मई जून की फसल होती है जैसे कि ककड़ी हो गई ककड़ी हो गई तरबूज हो गया खरबूज हो गया खरबूजा हो गए जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है तुरंत ही होते हैं बस खा पी के खत्म कर लेते हैं तो वो तुम्हारी जायद की फसल होती है अब मिट्टी को प्रिपरेशन करने की देखो बच्चे यहां से ना आपको सीक्वेंस लगाने के लिए क्वेश्चन आता है सीक्वेंस लगाने के लिए यहां से क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं फिर उसकी बुवाई करी जाती है पहले मिट्टी तैयार करी जाती है फिर उसमें क्या करते हैं बुआई करते हैं बुआई करने के बाद खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं यही खाद और उर्वरक अभी बताएंगे को, क्या होते हैं खाद क्या होते हैं उर्वरक फिर हम क्या करते हैं सिंचाई फिर हम खरपतवार से सुरक्षा करते हैं अपनी खेती की फिर उसकी कटाई करते हैं। और फिर उसका भंडारण किया जाता है ठीक है फिर उसका भंडारण करते सबसे पहले खेत की मिट्टी तैयार करी बुआई करके आ गए बुआई कर दी मतलब जो भी हमें उगाना था उगा दिया फिर खाद डाल रहे हैं ठीक है ताकि क्योंकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है ना खाद डाल दी फिर हम पानी डालते हैं सिंचाई कर देते हैं फिर उसमें कुछ दिनों के बाद में खरपतवार जैसे हमारी फसल निकलती है वैसे खरपतवार भी निकल आता है तो हम खरपतवार से सुरक्षा देते हैं फिर हम क्या करते हैं अब हमारी खरपतवार नष्ट हो गई सिर्फ फसल फसल बची फिर हम क्या करते हैं उसकी कटाई कर लेते हैं फिर भंडारण करते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है भंडारण कैसे होता है तो अभी आगे देखते हैं अब देखो मिट्टी तैयार कैसे करते हैं ठीक है तो मिट्टी कैसे तैयार करी जाती है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है या मिट्टी तैयार करने में केचुए का क्या रोल होता है आपको बताते हैं कि मिट्टी को जो है केचुआ ठीक है केचुआ जो है क्या करता है पोला बनाता है केचुआ जो है पोला, है। पोला बनाता है पोला कैसे बनाता है मिट्टी केचुआ जिस खेत में रहता है मिट्टी को खाता है सीक्वे हाँ बिल्कुल ये एम्पिटेट जी नाम से सीक्वेंस में लिखे हुए ठीक है ये पोला बनाता है मिट्टी खाता है मिट्टी निकालता है इसीलिए इससे इसके जो है वर्मी कंपोस्टिंग करी जाती है क्या करी जाती है वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं ठीक है केचुआ पालन क्या कहलाता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है ठीक है केचुआ पालन क्या कहलाता है वर्मी कल्चर कहलाता है और ये जैसे मिट्टी को खा रहा होता है तो अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही होती है ना इसीलिए केचुआ को ही क्या कहा जाता है किसानों का मित्र कहते हैं इसको क्या कहा जाता है इसको किसानों का मित्र कहा जाता है आगे बात समझ में कि नहीं समझ में आई तो पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुआ सूक्ष्म जीव की वृद्धि करने में सहायता करते हैं किसानों का मित्र भी कहा जाता है ये पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं ठीक है और ह्यूमस बनाते हैं अब आगे देखते हैं देखो हमने कई सारे पॉइंट पढ़े थे बुआई मिट्टी तैयार करना तो ठीक हो गया बुआई कैसे करी जाती है ये देखो खेतों की जुताई कर रहे हैं खेतों की जुताई करे जा रहे कुदाली कुदाली का भी प्रयोग खेतों में किया जाता है कल्टीवेटर का भी प्रयोग खेतों को तैयार करने में किया जाता है ये देखो पहले के टाइम पर इस बीज को इस तरीके से जाता जाता कीप के द्वारा अंदर-अंदर घुसा दिया जाता था बीज को तो इस तरीके से पहले के टाइम पर किया जाता है फिर सिंचाई देखो इस तरीके से कहीं कहीं पर मोट इसको कहा जाता है मोट विधि मोट विधि के द्वारा सिंचाई करी जाती है ये तुम्हारी चेन पंप है कहीं-कहीं पर भाई जरूरी थोड़ी हर जगह हैंड पंप होता है या मोटर चला दी, या पाइप डाल दी सिंचाई कर दी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें होती तो चेन पंप का प्रयोग करके कहीं कहीं सिंचाई ये देखो तुम्हारी ढेकली विधि क्वेश्चन दे देता है ढेकली क्या है सुने ही नहीं रहते तो नाम नहीं याद आता है ढेकली भी एक सिंचाई करने की व्यवस्था है सिंचाई की एक व्यवस्था है ढेकली विधि द्वारा इस तरीके से होता है कि भाई कुएं से पानी निकलता है पानी ले लेकर के डालते हैं चेन द्वारा मतलब चेन रस्सी से खींचते हैं और ये बाल्टी से ही अंदर ये देखो पानी बह रहा है तो ये ढेकली चेन पंप इसके अलावा राहट ये भी जो है पानी निकालने की व्यवस्था होती है ठीक है जो है राहट ये भी पानी निकालने की व्यवस्था होती है ये देखो यहाँ पर बाल्टियां फंसी हुई हैं ठीक है और ये बैल जो है इसके चारों ओर घुमाता है इसका कनेक्शन यहाँ होता है तो पानी फटर 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 निकलता रहता है बिल्कुल एर्थ क्लास की बुक है उसका पूरा कंटेंट आपको मेन मेन दिया जा रहा है अब हम लोग खेतों में किसका प्रयोग करेंगे सिंचाई भी कर दी अब हम लोग खेतों में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे खेतों में खाद एवं उर्वरक का तो आपको बता देते वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए होता क्या है जैसे हम लोग नहीं होते राहट को रहाट ही बोलते हैं अफरीन इंग्लिश में राहट को रहाट ही बोलते हैं ठीक है जैसे हम लोग मल्टीविटामिन लेते हैं है ना हम लोग योगा करते हैं प्रोटीन शेक लेते हैं लेते हैं ना लेते हो अलग बात है लेकिन जब कमजोरी आती है तो लेते हैं ऐसे ही मिट्टी में क्या होता है नई नई फसल उगती रहे अच्छे तरीके से इसलिए मिट्टी में क्या है हम लोग पोषक तत्व मिलाते हैं पोषक तत्व में खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ठीक है खाद और उर्वरक का प्रयोग करते अब उर्वरक कौन कौन से होते उर्वरक के एग्जाम्पल में देखेंगे यूरिया ध्यान देना क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा यूरिया है आधे तो कन्फ्यूज है, है कि साइंस भैया जो है पढ़ लो तुम्हारे पेपर में आएगा तुम्हें ठीक है यूरिया भाई तुम भी सही हो क्योंकि कंटेंट तुम्हें ईवीएस का लग रहा होगा वैसे ये ईवीएस में भी पूछ लिया जाता है ठीक है यूरिया अमोनियम सल्फेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक है? सेम नाम तुमको मिलेंगे अगर तुमसे क्वेश्चन बताएगा तो यूरिया अमोनियम सल्फेट सुपर पोटाश एनपीके ठीक है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यूरिया क्या है एक प्रकार का उर्वरक जो कि मिट्टी में मिलाया जाता है हमारी उर्वरकता तो को बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरकता तो को बढ़ाने के लिए अमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट और है, ये सभी हमारे उर्वरक होते हैं अब क्या डिफरेंस है उर्वरक और खाद में फर्टिलाइजर और मैन्योर में फर्टिलाइजर और मेन्योर में अभी अब इनके क्वेश्चन करने वाले हैं तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है ठीक है मानव के द्वारा बनाया जाने वाला बहुत अच्छे एम्पिटेड मानव निर्मित लवण है खाद क्या है एक प्राकृतिक पदार्थ है प्राकृतिक तरीके से जैसे हम लोग भी होता है ना कुछ चीजें हमें नेचुरली मिलती है लेकिन वो चीजें हमें अच्छी लगने लगती है इंसान अपना दिमाग लगा देता है कहता अच्छा प्रकृति से तो हमें इतना ही मिल रहा है हम और बनाएंगे इनको ठीक है और हम लोग जब करेंगे कुछ ना कुछ फायदा भी होता है कुछ नुकसान भी होता है तो उर्वरक मानव निर्मित है मनुष्य ने बनाया खाद प्राकृतिक रूप से होता है जो कि पौधों के अवशेष गोबर से खाद मिलती है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है खाद खेतों में बनाते हैं इन उर्वरक की मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलती है हमने बताया ना कुछ नुकसान भी होता है तो इनमें ह्यूमस नहीं होती है और खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है इसके अलावा उर्वरक में क्या नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में होती है और खाद में पादप पोषक खाद्य तुलनात्मक कम रूप में होती है इंग्लिश वाले बच्चे देख लो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट ठीक है मैन्योर क्या है नेचुरल सब्सटेंस ऑप्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग एंड प्लांट रेसिड्यू फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाते हैं ये जो है अपने खेत की अपने घर की खेती है जामुनो बना लो ठीक है फर्टिलाइजर डस नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स ठीक है पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं चलो भाई अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पहले हिंदी में दिखाते हैं ठीक है हिंदी में दिखाते हैं स्तंभ ए को में दी गई फसल बोने की विधि दी गई है कि फसल हम किस स्तंभ बी में उनके स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको मैच करवाना है अब तो दिख रहा होगा जहां शॉर्ट ये दिख रहा होगा दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन हाँ अब मैनेज तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है क्योंकि सारी चीजें मिल रही है ना इस वजह से अगर हम टाइप करके लेकर के आते ना तो इतना भरा भरा तुम्हें दिखता कि तुम डर जाते पहले ही ऐसे ही स्क्रीनशॉट से बुक से तुम्हें लग भी रहा है तुम्हारी बुक भी पढ़ गई है और तुम्हें मह, मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अच्छे से पढ़ भी लोगे फसल फसल काटना गाहना मतलब थ्रेसिंग चक्रण और टपक प्रणाली अब इनको मैच करो हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग क्रॉप रोटेशन ड्रिप सिस्टम चलो भाई जल्दी से बताओ जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बहुत अच्छे बहुत अच्छे अरे एक ही क्लास पर्याप्त है तुम इस पूरी क्लास को देखो तुमको खुद लगेगा अब हम नहीं है यही तुम क्लास पूरी पढ़ लो फिर तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है फसल कटाई का मतलब क्या होता है भाई जब फसल पक जाएगी तो काट लोगे घर में सब्जी बन जाती है तो गैस से उतार लेते हो फसल खेत में पक गई है तो कटाई कर लो है ना दाहना थ्रेसिंग क्या होता है थ्रेसिंग होता है दानों को भूसे से अलग करना दाने को भूसे से अलग करना दाहना कहलाता है फसल चक्रण क्या होता है विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाना बहुत सारी फसलों को बारी बार हैं दूसरी बार, ये उगाएं है, बार ये उगाएंगे ठीक है तो अबाली होता है फसल चक्रण टपक प्रणाली होता है जल को बूंद बूंद, करके सीधे जड़ में जाना, बूंद बूंद करके पानी सीधे जड़ में जाना इसको टपक प्रणाली कहते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा ये प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है इंग्लिश में मैच करवा लो हार्वेस्टिंग क्या होती है कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैचुरेशन, थ्रेसिंग क्या होती है थ्रेसिंग होती है ग्रेन सीड्स सेपरेट्स फ्रॉम chaff ठीक है क्रॉप रोटेशन क्या होता है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली और ड्रिप सिस्टम वॉटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट ऑप्शन नंबर सी चलो भाई अब हम कुछ देख लेते हैं खरपतवार नाशी हमने बताया ना सबसे पहले खेत में क्या कर दिया खेत में मिट्टी बना ली ठीक है उर्वरक का प्रयोग कर लिया है ना बी भी बीजों की बुआई कर दी उर्वरक का प्रयोग कर दिया सिंचाई कर दी उर्वरक अब तो खरपतवार उग गए तो खरपतवार अपने आप नष्ट हो जाए इसके लिए हम खरपतवार नाशी का नाम क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है खरपतवार नाशी टू फोर डी 24 डी क्या है खरपतवार नाशी इसके अलावा काटी गई फसल को ये वाला रट लो एकदम अभी पीछे थ्रेसिंग मिले थे ना थ्रेसिंग किसे कहते हैं अभी पीछे क्वेश्चन मिला था काटी गई फसल जो होती है उसको दाने को भूसे से अलग कर लेना ठीक है दाने को भूसे से अलग कर लेना जैसे पटक पटक करके ऊपर उप... सरसों हो है। भलिया में है तो पटक पटक के पीटते हो तो सरसों के दाने अलग हो जाते डंडी अलग कर लेते हो तो बीजों को भूसे से अलग कर लेना थ्रेसिंग कहलाती है और निष्पावन क्या होता है निष्पावन क्या होता है विनोइंग जैसे कहते वो क्या होता है जब एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक महिला खूब हवा में सूप चलाती है तो भूसा भूसा उड़ जाता है और अनाज अनाज नीचे गिर जाता है उसको निष्पावन कहते हैं थ्रेसिंग किसे कहते हैं दानों को भूसे से अलग कर लेना पटक पटक करके उसको थ्रेसिंग कह दिया जाता है अब भाई अनाज वनाज हमारा पक गया अब मेरी बात ध्यान से देखो अब इसका भंडारण करेंगे तो भंडारण जैसे हम लोग घरों में अपने घर में आलू आ जाता है तो हम लोग एक जगह भर के रख देते प्याज आ जाता रख देते लेकिन जब बहुत बड़े बड़े मात्रा में सब कुछ रहता है तो थोड़ी टंकी में भर के रख लेते तब हम लोग बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो में करते साइलो क्या है अब साइलो है ये बड़ी बड़ी इसी टंकियां एक साथ लगी हुई हैं इसको कहा जाता है साइलो इसमें जो है खाने को या अनाज को भंडारित कर लिया जाता है तो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सॉइल एंड ग्रेनरी इसलिए बड़े बड़े और मैं समझना एक चैप्टर कंप्लीट होता इक्कीस पहले चैप्टर को पूरा करने में अब तुमको किताब छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी किताब हार्वेस्टिंग का यूज होता है हार्वेस्टिंग मतलब कटाई बिल्कुल अब तुमको किताब पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमारा चैप्टर नंबर टू सेकेंड चैप्टर अभी इसके एमसीक्यू भी साथ साथ करेंगे अगला चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और ये टॉपिक तो तुम्हारे ईवीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है साइंस और ईवीएस दोनों पढ़ो इसको दोनों पढ़ो इसको सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य भागों में बांटा गया है पहले तो ये जान लो सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है चार मुख्य जीवों में किसमें किस में, किस में? जीवाणु कवक प्रोटोजोवा और शवाल सूक्ष्म जीवों को छोटे छोटे से जीव है जिनसे में रोग हो जाते हैं बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोवा एंड सम एल्गी अच्छा इसके अलावा वायरस के बारे में भी बात कर लेते वायरस क्या होते हैं तो विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे जीव होते हैं जो कि ऐसे तो इनमें सेल नहीं होता है ऐसे ये डेड माने जाते हैं विषाणु लेकिन जब ये किसी जीव के अंदर हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर ये जीवित हो जाते हैं इनकी शक्तियां जग जाती हैं और बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं और हम लोग बिस्तर पे पहुंच जाते हैं ठीक है तो विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं और वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं ये केवल परपोषी में ही गुड़न करते हैं ठीक है अर्थात जीवाणु पौधे जंतु कोशिका में गुड़न करते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं इतना तो तुम समझ ही हो अब हम देखने वाले हैं वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं वायरस से क्या क्या चीजें हो जाती हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कॉमन कोल्ड किससे होता है कॉमन कोल्ड किससे होता है कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा मोस्ट कफ ये सब चीजें वायरस से होती हैं। हमको बुखार है हमें जुखाम है छीक दिए बगल वाले को भी हो गया तो ये विषाणु जनित है, हो गया तो ये से होने वाला है मतलब जुकाम इन्फ्लुएंजा खांसी इसके अलावा पोलियो और खसरा ठीक है पोलियो और चिकन पॉक्स मेरी बात ध्यान से सुनिएगा पोलियो और चिकन पॉक्स ये भी तुम्हारा सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग है पोलियो और चिकन पॉक्स ये भी तुम्हारा से होने वाला रोग है, है ठीक पोलियो और चिकन पॉक्स वायरस से सूक्ष्म जीव में कौन सा वायरस से होने वाला रोग है इसके अलावा जीवाणु द्वारा कौन से होते हैं जीवाणु द्वारा रोग कौन सा होता है तो ये अति मलेरिया सॉरी, अतिसार क्षय और और रोग ये तुम्हारे जीवाणु जनित रोग हैं। आपने इससे पहले भी मेरी बहुत सारी क्लासेस करी होंगी मैंने पहले भी बता रखा है जीवाणु जनित की ट्रिक विषाणु जनित की ट्रिक प्रोटोजोवा जनित की ट्रिक और Uh, कवक के जन सब ट्रिक मैंने बता रखी है तो अभी हम एनसीईआरटी चला रहे हैं तो एनसीईआरटी रखते हैं और जरूरत पड़ी तो हम लास्ट में बता भी देंगे ठीक है तो अभी क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी तो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कर रहे हैं यही नाम बस आप याद रखना ठीक है तो अतिसार और मलेरिया ये तुम्हारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग टाइफाइड और छह रोग यानी कि टाइफाइड और ये तुम्हारे जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं Dysentry और मलेरिया ये तुम्हारे जनित रोग हो जाते हैं अब क्वेश्चन देखो जीवाणु किस तरीके के दिखते हैं कुछ हमारे स्पाइरल बैक्टीरिया हैं, कुछ हमारे बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं कई सारे टाइप के होते हैं इसके अलावा शैवाल ये पूछता है अभी हम आपको क्वेश्चन में दिखाते कैसे वन फाइनली वन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है तो अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू ठीक है एलगी तो जो है क्या होते हैं शवाल क्या होते हैं ये तुम्हारे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा ठीक है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा ये तुम्हारे शवाल होते हैं प्रोटोजोआ का नाम बताएंगे प्रोटोजोआ क्या होते हैं तो ये तुम्हारे अमीबा और पैरामीशियम होते हैं प्रोटोजोआ कौन से होते हैं तो अमीबा और पैरामीशियम ये तुम्हारे <coughs> प्रोटोजोवा होते कवक फंजाई कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं फंजाई कौन से होते हैं? कवक कौन से होते हैं? तो राइजोपस पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ठीक है राइजोबियम पेनिसिलियम और एस्परजिलस, आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई राइजोपस पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये तुम्हारे क्या होते हैं ये तुम्हारे क्या होते हैं ये तुम्हारे कवक होते हैं फंजाई होते हैं ये रहा क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन जिसका तुम लोग वेट कर रहे थे ये रहा क्वेश्चन जिसका तुम लोग वेट कर रहे थे आई बात समझ में कि नहीं फटाक से आंसर बता दो जल्दी से बहुत तेजी से आंसर बता दो जल्दी से ठीक है जल्दी से आंसर बता देंगे जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे शवाल बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोवा क्या हो जाएगा जल्दी से वो क्या हो गया है रुक गई क्या क्लास जल्दी से बताएंगे सिस्टम हैंग कर गया ठीक है चलो धन्यवाद धन्यवाद बस बने रहो पढ़ते रहो अभी तो बस शुरू हुआ है पह, दूसरा चैप्टर अभी सवाल कौन सा हो जाएगा सवाल कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताएंगे सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा ये हमारा नाम बताओ क्लेमाइडोमोनास अभी पढ़ा तुमने सवाल तुम्हारे कौन से हो जाएंगे क्लेमाइडोमोनास और ठीक है ये तुम्हारे शैवाल हो जाते हैं जीवाणु कौन सा हो जाएगा ब्लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है फंजाई एस्पर्जिलस होता है अमीबा प्रोटोजोवा होता है ओमिक्रॉन वायरस होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा डी कहां बता रहे हो भाई डी कौन बता रहा है डी है क्या नहीं भाई डी कहां है सी को तुम थ्री से मैच कराओगे ना ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब यहां पर कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में कौन सा सही नहीं है उससे बताने से पहले ये वाला बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर बोर्न बैक्टीरिया जल जनित बैक्टीरिया तुम्हारे कौन से हो जाते हैं ये बताएंगे जल्दी से जल जनित पहले बता दो जल जीव जनित जीवाणु रोग मलेरिया है जा टाइफॉइड पीलिया मलेरिया पीलिया और टाइफॉइड हैजा जल्दी से बताओ सब यूपी से ही हैं सब तुम्हारे इंडिया से ही हैं सारे बच्चे आंसर बताओ जल्दी से आंसर बताएंगे तो ये है जा, ये टाइफाइड और जल जनित रोग हो जाते हैं ठीक है जल जनित रोग हो जाते हैं अभी और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन अभी कुछ समय बाद करेंगे ये चलो इसको भी बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कम्प्राइजेस ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाई वायरस विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है

ये देखो सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग टिटनेस कॉलेरा डिप्थीरिया हुपिंग कफ प्लेग ट्यूबरकुलोसिस टाइफाइड और लेप्रोसी ये तुम्हारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं वायरस से होने वाले रोग रेबीज स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स मीजल्स पोलियो एड्स ये तुम्हारे वायरस से होने वाले रोग हैं प्रोटोजोवा से मलेरिया पायरिया डिसेंट्री, कालाजार स्लीपिंग सिकनेस ये तो माना प्रोटोजोवा से वॉर्म डिजीज से कौन से फाइलेरिया एस्केरियासिस और टीनियसिस ये तो हमारे वॉर्म डिजीज हो जाते हैं इसके अलावा यहाँ पर विटामिन भी करेंगे अभी लेकिन उसके पहले ये देखो हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं कैसे होते यूनिसेलुलर हो सकते हैं कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि जीवाणु यूनिसेलुलर है और शवाल एवं प्रोटोजोआ तथा कुछ हमारे जो है मल्टी सेलर भी होते कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ मल्टी सेलूलर भी होते हैं अमीबा अकेले रह सकता है जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं तो ये हम लाइन क्यों बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि कौन अकेला रहता है कौन समूह में रहता है यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये fact, ये फैक्ट है है लुई ये है लुई जिनका नाम तो आपने बहुत पहले बचपन में ही सुन रखा है क्लास एर्थ में लुई पाश्चर ने क्या किया था लुई पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन ठीक है किड़वन की खोज करी थी फर्मेंटेशन की 1857 में अठारह सो सत्तावन की क्रांति ठीक है ये किड़वन की खोज कर रहे थे अठारह की क्रांति के समय ठीक है फर्मेंटेशन की खोज लुई पाश्चर ने करी इसके अलावा उन्नीस सौ में इतिहास की कौन सी घटना हो जल्दी बता दो हमको उन्नीस में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु जनित जीवाणु रोगों से बचाव के संवर्धन के लिए बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे फिर इन्होंने पेनिसिलियम की खोज करी थी ठीक है पेनिसिलिन बनाई थी ये 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया सडनली ही फाउंड द स्पोर्ट्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिस कल्चर प्लेट्स ठीक है इतना फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है बस इनका पेनिसलियन याद रखो याद रखो पेनी की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक के नाम याद रखो ठीक है कुछ एंटीबायोटिक के भी नाम याद रखो एंटीबायोटिक कौन से हो जाते हैं तो ये तुम्हारे कौन कौन से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और एरेथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोसाइनिन तीन नाम ये क्या है तुम्हारे एंटीबायोटिक ये तुम्हारे एंटीबायोटिक है इसके अलावा ये है कौन एडवर्ड जेनर जो कि जन के बिना पेपर ही कभी कभी नहीं बनता है एडवर्ड जेनर ने क्या किया था चेचक के टीके की खोज करी थी चेचक ठीक है चेचक कौन से वायरस से होता है कितनी बार याद करवाया है चेचक विषाणु जनित रोग है कौन से वायरस वेरी वेरी वायरस से होता है चेचक तुम्हारे वैर वायरस मैंने बताई थी चाचा ओला से चलते हैं, चाचा ओला से चलते हैं। और सेवनटीन नाइनटी 1798 में चेचक के टीके का इन्होंने आविष्कार किया था अब ये देखो तुम्हारे एनसीआरटी जो जो नाम लिख करके देती है तुम्हें पता है? ये कैप्सूल होते हैं जो कि तुम्हें रट लेने होते हैं ठीक है छह रोग टीबी तुम्हारा जीवाणु जनित रोग खसरा मीजल्स वायु विषाणु जनित रोग चिकन पॉक्स विषाणु जनित पोलियो विषाणु जनित हैजा वो जिसको कॉलरा बोलते हो ये तुम्हारा याद है बहुत है बहुत बढ़िया जितने बच्चों को याद है हम यही सुनना चाहते जब साल भर पढ़ाते हैं ना तो तुम लोग से एक बात वाक के कह रहे थे कि देखो अभी तो हम पढ़ा रहे हैं जब हम मैराथन लेकर के आएंगे तो हम ये चाहेंगे कि आप अच्छा फीडबैक दो हमें भी मजा आए तुम्हें भी मजा आए रिविजन करने में अब पता चल हम पढ़ा रहे तुम्हारे सर के इतने ऊपर से जा रहा है कि मैडम क्या है ये तो भाई आज की क्लास बहुत मजेदार है जा तुम्हारा जीवाणु जनित रोग टाइफाइड तुम्हारा जीवाणु जनित वायरस जनित रोग और मलेरिया तुम्हारा प्रोटोजोवा जनित रोग ठीक है मलेरिया तुम्हारा प्रोटोजोवा जनित रोग होता है अब इसके अलावा ये देखो छह रोग वायु संचरण का तरीका क्या होता है वायु खसरा खसरा वायु चिकन पॉक्स वायु या फिर सीधे संपर्क से होता है ठीक है इसके अलावा पोलियो वायु या फिर जल से हैजा जल या फिर भोजन से टाइफाइड जल से हेपेटाइटिस से जल से और मलेरिया तुम्हारा मच्छर से होने वाला अब भाई इंग्लिश मीडियम वाले उदास नहीं हो तुम्हारे लिए भी सब कुछ है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया मीजल्स वायरस चिकन पॉक्स वायरस पोलियो वायरस कॉलरा बैक्टीरिया टाइफाइड बैक्टीरिया हेपेटाइटिस है वायरस मलेरिया प्रोटोजोआ अच्छा इसी के साथ में ये है इन्होंने कहा तुम हमें कैसे भूल गए एडवर्ड जेनर का जो है जिक्र हो गया है ठीक है इसके अलावा रॉबर्ट कोच का जिक्र हो गया लेकिन हम रह गए अब हम रॉबर्ट कोच के बारे में बात करेंगे रॉबर्ट कोच 1876 में इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज करी थी जो कि किसके कारण होता है जिससे एंथ्रेक्स रोग हो जाता है बेसिलस एंथ्रेसिस ठीक है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक रोग हो जाता है ठीक है ठीक सु, कोई दिक्कत नहीं आप एनसीईआरटी किताब रखी हो वो खोल लो अगर नहीं दिख रहा है क्लियर बाकी हम बोल रहे हैं वो सुनते जाओ रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज करी जिससे कि रॉबर्ट जिससे एंथ्रेक्स रोग हो जाता है अब देखो कुछ ना पौधों में भी रोग हो जाता है पौधों में भी रोग होता है जैसे कि नींबू में नींबू कैंकर रोग हो जाता है नींबू कैंकर किसकी वजह से जीवाणु के कारण वायु से संचरण का तरीका होता है गेहूं का रस्ट रोग गेहूं की रस्ट रोग हो जाता है कवक से होने वाला रोग है भिंडी में कौन सा रोग हो जाता है भिंडी की पीत रोग ये तुम्हारा वायरस से होने वाला रोग है ठीक है भिंडी में पीत रोग हो जाता है ये देखो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया रस्ट ऑफ वीट फंजाई येलो वेन ऑफ मोजाइक भिंडी ओकरा जिसको कह देते हो ये तुम्हारा वायरस से होने वाला रोग है ठीक है वायरस से होने वाला अब जो रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स नामक रोग की चर्चा करी है ये क्या होता है एंथ्रेक्स क्या होता है? तो यह एक प्रकार की मतलब रोग ही हो जाता है मनुष्य एवं मवेशियों में होता क्या है ना कि जब भेड़ जो भेड़ वगैरह होती है भेड़ बकरियां उनसे बाल उनके शरीर से निकाले जाते हैं ऊन बनाने के लिए

गाय में खुर एवं पका खुर एवं पका रोग ये जो है किसके कारण होता है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है ये अभी हम आपको एग्जाम अभी क्वेश्चन दिखाएंगे ठीक है ये अभी क्वेश्चन दिखाएंगे हम आपको ये पूछा फुट एंड माउथ रोग जिसको कह दिया जाता है क्वेश्चन पूछता है फुट एंड माउथ रोग किससे हो जाता है वायरस से हो जाता है ठीक है इसी को खुर एवं मुंह पका रोग भी कह देते हैं अब देखो चलो भाई ये सब तो हो गई बातें इनकी लेकिन अभी सब हम लोग क्वेश्चन तो देखे ही नहीं है इनकी

और सोडियम ठीक है नाम फटाक से लिखो जल्दी से पे पे अपने रफ A4 शीट पे नाम लिखो। फूड प्रिजर्वेशन में किसका यूज किया जाता है सोडियम बेंजोएट का क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एक सामान्य परिरक्षक होते हैं जिनका प्रयोग खाने को अ, बचाने के लिए करते हैं ताकि हमारा थोड़ा लंबे समय तक खाना संरक्षित रहे अच्छा एक चीज ये भी पूछ दिया जाता है कि भाई जैसे हम लगा देते हैं फ्रिज में क्यों लगा देते हैं क्या वो मार देता है बैक्टीरिया को तो खाने में होता क्या बेसिकली बहुत टाइम तक रखा रहता तो है उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं ठंडी जगह पर रख देते हैं तो कुछ देर तक नहीं मतलब जल्दी बैक्टीरिया नहीं बनना शुरू हो जाते हैं तो उनके बनने को रोक देता है गति को धीमा कर देता है ये भी ऑप्शन में आपको मिलता है यह भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है ठीक है चलो भाई अब हम आगे पढ़ते यहां पर पूछ दिया जाता है पॉस्चुराइजेशन पॉस्चुराइजेशन का टाइम पूछ दिया जाता है कि पाश्चराइजेशन प्रोसेस क्या होती है इसमें दूध को कितनी देर तक की गर्म किया जाता है कितने पर ठंडा किया जाता है यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ठीक है तो पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज़ इट इन फ्रीज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स

ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने के बाद इसको भंडारित कर लेते हैं ठंडा करने के बाद भंडारित कर लेते हैं जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और यही प्रोसेस है इसकी खोज किसने करी थी पाश्चुरीकरण की खोज किसने करी थी साइमा अमृता सोनम मनीषा फातिमा मिनी संध्या सारी बताएंगे करण की खोज किसने करी थी लुई पाश्चर ने करी थी दूध को कितने डिग्री तक गर्म किया जाता है सत्तर डिग्री सेंटीग्रेड तक कितने टाइम तक पंद्रह से तीस सेकंड तक की गर्म किया जाता है अब भाई हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि कह रही थी आज सुबह भी बोल रही थी मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा दो हे नाइट्रोजन स्थरीकरण बता दो हमें यही तो पूछ रही थी ना पता नहीं नाम तुम्हें याद नहीं है ठीक है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कैसे होता है ये सारी चीजें हम देखेंगे इससे पिछली बार

राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी दलहनी पौधे होते हैं जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होता है ठीक है जो कि क्या करता है इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को कलेक्ट करता है और पौधों को देता है और पौधे बदले में उनको रहने का स्थान देते हैं जिससे कि पौधे और नाइट्रोजन के बीच में सहजीवी संबंध भी मतलब दलहनी पौधे और राइजोबियम के बीच में सहजीवी संबंध भी उनके बीच में होता है तो एक बार एनसीआरटी रीड करते हैं ये क्या लिखा हुआ है ये क्या कह रहे हैं कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरी शवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं ठीक है थेके? मिट्टी में हमारे जो जीवाणु होते हैं या नीले हरी शैवाल होते हैं इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके हम लोग नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं यानी पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में ग्रहण कन्वर्ट कर देते हैं फिर पौधे उसको ले लेते हैं तो जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा कर लेते हैं पौधे जड़ों के द्वारा भाई ले लेते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट को इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग अब इस नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किसमें किया जाता है ध्यान देना इन पॉइंट को कि प्रोटीन बनाने में दलहनी पौधों में ना दाल में खूब प्रोटीन होती है तो प्रोटीन बनाने में किसका इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है तो प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में भी करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आ गया कि राइजोबियम किस तरीके से करता है ये देखो जड़ों में में गांठों के रूप मौजूद होता है है पौधा इनको रहने का स्थान दे देता है। और ये इनको नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिक दे देते हैं ठीक है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स हम भी नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते पेड़ पौधे भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ठीक है जो कि हमारी मिट्टी में प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन द दॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इंटू कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देती है वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू दीज यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम समझ आ गई बात की नहीं समझ आई ये बताएंगे समझ आ गई बात की नहीं समझ आई समझ आ गई बात की नहीं समझ आई ये बताएंगे ठीक है तो नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड ठीक है ये सारी चीजें तो चलती रहती है अब हमारा अगला चैप्टर मेरी बात ध्यान से सुनो अब अगला चैप्टर अगला है कोयला एवं पेट्रोलियम यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अब यहां से भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सारे बच्चे थम्सअप करेंगे एक बार से कि मैम पूरी एनर्जी अभी बनी हुई है अभी पूरी एनर्जी बनी हुई तुम्हारे अंदर एनर्जी हमारे अंदर एनर्जी वो एक्शन रिएक्शन आज पूरी तरीके से फॉलो हो होगा पहले भी बताया था मैंने ठीक है अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोयले के प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं अगर ध्यान हो तो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है है ना साइंस में जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको मिल रहा था कि हमारे कोयले के उत्पाद कोयले का प्रोडक्ट कौन सा है बाय प्रोडक्ट कौन सा है तो कोयले में से हमें कोक मिलता है <bugto> okay कोल तार तो। तो। मिलता है और कोयला गैस मिलती है ठीक है कोयले से हमें क्या क्या मिलता है कोक मिलती है कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलती है अब देखेंगे तो कोक के बारे में ध्यान से सुनो मेरी बात अब देखेंगे कोक के बारे में इससे क्वेश्चन आपके बिहार वाले एग्जाम में भी पूछा गया था जनरल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कोक क्या होता है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है सरंध्र होता है मतलब कठोर होता है पौरश, सरंध्र होता है मतलब रंध्र जैसा और एक ब्लैक सब्सटेंस होता है कोक किस तरीके का होता है अभी ग्रीन ग्रीन दिख नहीं रहा होगा मैं पता है लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुन लो जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना तो आपको दिखेगा अच्छे से तो कोक होता है क्या है टफ होता है पोरस होता है और एक ब्लैक सब्सटेंस होता है ये जो है कार्बन का ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है तो क्वेश्चन पूछा जाए कार्बन का शुद्धतम रूप ठीक है को ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा होता है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कोक होता है कोक बस यही से क्वेश्चन बनता है सेम क्वेश्चन बिहार वाले में पूछा गया जब बच्चों ने नाइन टेंथ वाला या जो भी पेपर दिया हो जनरल साइंस में पूछा गया था स्टील के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं स्टील उत्पादन में कार्बन के कौन से बाय प्रोडक्ट का यूज किया जाता है तो कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स बहुत सारी धातुओं को निकालने में भी और स्टील को बनाने में भी बहुत अच्छा अफरीन ठीक है याद रहेगा ना भूलोगे नहीं ना जीवन में नहीं भूलोगे अब स्टील तुम्हारे घर में जो प्लेट पे खाना खाते हो ग्लास में पानी पीते हो इस स्टील को बनाने में कोक का इस्तेमाल होता है साथी साथ ही साथ साथ ही साथ मेटल के एक्सट्रैक्शन में धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का इस्तेमाल होता है अब अगला देखेंगे कोलतार ये सब चीजें कोयला से मिलता है ये सारी चीजें हमें कोयला से मिलती हैं यह क्या है एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव भाई कोयला से मिल रहा है तो काला होगा ही तो क्या है ये गंद वाला मतलब बहुत बेकार सी स्मेल आती है कोलतान से काला गाढ़ा द्रव जैसे वो नहीं होता है रोड में बनने वाला क्या बोलते हैं उसको कुछ बोला जाता है हमको नाम नहीं रहा ठीक है कुछ तो बोलते हैं ठीक है वैसा ही काला गाढ़ा द्रव होता है इसका यूज कहाँ करते हैं यहां से क्वेश्चन बनता है इनका उपयोग कहां पर किया जाता है संश्लेषित रंग में सिंथेटिक कलर बनाने में इनका प्रयोग करते हैं औषधि बनाने में विस्फोटक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है ठीक है कोल तार का यूज कहां करते हैं सिंथेटिक डाइज में करते हैं सिंथेटिक डाइज संश्लेषित रंग में ड्रग्स बनाने में एक्सप्लोजिव विस्फोटक के रूप में परफ्यूम ये देखो अभी क्वेश्चन दिखाते हैं अभी अभी यही सारा खेला होगा परफ्यूम बनाने में प्लास्टिक बनाने में पेंट बनाने में फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में रूफिंग मटेरियल बनाने में इन सारी चीजों में कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है इन सारी चीजों में कोल तार का इस्तेमाल किया यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि भाई नेफ्थलीन बॉल ठीक है सुनना ध्यान से सुनो ये मौत एवं अन्य कीटों को भगाने के लिए हमारी अलमारी में कीड़े घुस जाते हैं कपड़े वाली अलमारी में तो वो कीड़े ना लगे बेकार सी स्मेल ना आए तो उनमें ना नफ्थलीन की गोली ध्यान से सुनो काहे की गोलियां नफ्थलीन की गोलियां ये नफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से ही प्राप्त करी जाती है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पर दिखाया भी हुआ है हर चीज नहीं अभी दिखाएंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमें पढ़ना बहुत सारा है ठीक है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो कपड़े जो है मौत वगैरह कीड़े वगैरह गंद को बचाने के लिए जो नेफ्थलिन की गोलियां हैं उसमें भी कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसके अलावा ये वाला पॉइंट भी देखो पक्की सड़कों के निर्माण में पहले के के टाइम पर क्या होता था पक्की सड़कों निर्माण कोल तार का इस्तेमाल होता था कोल तार जो कि कोयले का प्रोडक्ट है लेकिन अब जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्ट बिटुमिन का प्रयोग किसका प्रयोग बिटुमिन का प्रयोग हम लोग सड़क के निर्माण में करते हैं Bitumen का प्रयोग सड़क निर्माण में करते हैं अगला पढ़ लेते हैं कोयला गैस कोल गैस, का कोल गैस पढ़ने के बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है? कोल गैस पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है कोयला गैस कोयला कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है जब हम कोक बना रहे होते हैं ध्यान से सुनिएगा जब हम कोक बना रहे होते हैं तो हमें कोयला गैस मिल रही होती है ठीक है कोक बनाते समय जो एक गैस निकलती है उसी को ही कोयला गैस कहते हैं ठीक है ठेके? इसके अलावा को, यहां से क्वेश्चन बनेगा कोयला गैस का उपयोग किसके लिए करा जाता है तो पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए पहले के टाइम पर सड़क में रोशनी हो इसलिए कोयला गैस का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब हम लोग इसका प्रयोग जो है ऊष्मा के स्रोत के रूप में एनर्जी के स्रोत के रूप में ऊष्मा हीट के स्रोत के रूप में अब हम इसका उपयोग करते हैं चलो भाई इनसे मिलो इनसे मिलेंगे ये क्या कह रहे हैं हमारे प्रश्न क्या कह रहा है कॉलम ए कॉलम बी कोक कोल तार कोल गैस बिटुमिन सारा जो पढ़ा है कच्चा चिट्ठा यही मिल गया हमें ठीक है जवाब दो जनता जवाब चाहती है जवाब दो भाई जनता जवाब चाह और ये तुम्हारा पोल इंग्लिश विंग्लिश नहीं है हिंदी बहुत मुश्किल से मिला था हिंदी लगा दी है आंसर मोए मोए मत कर देना भाई आंसर लगाओ इसका कोक का इस्तेमाल स्टील इस के निर्माण में कोल तार का इस्तेमाल किसमें करते थे कोल तार का इस्तेमाल के रूप में परफ्यूम्स को बनाने में कोल गैस अभी पढ़ के आए हो ईंधन के रूप में बिटुमिन का प्रयोग आजकल हम लोग सड़कों पर परत बिछाने के लिए करते हैं है ना सड़कों पर परत बिछाने के लिए करते हैं ऑप्शन नंबर अरे यहीं से मिल जाएगा ठीक है यहीं से मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा तो भाई 96 सिक्स परसेंट बाकी गलत किसने कर दिया भाई बहुत अच्छे राहुल नितानशु नजनीन बलिराम गुड़िया बहुत बढ़िया चलो भाई अगले अगले पे चलते हैं आगे चलते हैं वो वाला नफ्लिन वाला क्वेश्चन था तो आ, शायद मैंने ऐड नहीं किया बस मैंने देखा था क्लास में यूट्यूब पे करवा रखा है ये देखो कोल गैस का आज के टाइम पर हम पहले हम लोग प्रकाश उत्पादन में करते थे अब हम लोग इसको एक हीट सोर्स के रूप में करते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से अब आपके ईवीएस में भी पूछ सकता है ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहा बनाया गया था और भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ पर है तो विश्व में तेल का कुआं पेन पेंसिल्वेनिया ठीक है अमेरिका में पेंसिल्वेनिया वहां पर पहले ड्रिल किया गया था पहला तेल का कुआं लेकिन बाद में 1867 में असम में हमारे देश में असम में माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था बाकी फिर तेल असम गुजरात बॉम्बे हाई यहाँ इन सब जगहों से हमें तेल प्राप्त होता है अब भाई पेट्रोलियम के प्रोडक्ट पूछ लिए जाते हैं पेट्रोलियम के प्रोडक्ट पूछ लिए जाते हैं आपको पता है कई बार मैंने यूट्यूब पर ही क्वेश्चन दिखाए पेट्रोलियम क्या है तो गहरे रंग का तेलीय द्रव है है ना है। गहरे, गहरे, रंग का द्रव हो जाता है, गहरे रंग का गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है इसकी गंध अप्रिय होती है मतलब अजीब सी स्मेल होती है ठीक है बाकी पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल स्नेहक तेल पैराफिन मोम ये सारी चीजें क्या होते हैं पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल स्नेहक तेल और पैराफिन मोम ये सारी चीजें आप देख लोगे इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी चीजें जो बनाई प्राप्त होती है उनको पेट्रो रसायन कहा जाता है ठीक है उनको क्या कहते हैं पेट्रो रसायन बाकी उपयोग हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछा गया तुम लोग कहते रहते हो ना कि पता नहीं प्रश्न कहाँ से निकल कर क्या आए हमने बताया ना अंदर के अंदर लाइनें घुसी हुई होती है वहीं से क्वेश्चन निकल करके आता है कि पॉलिस्टर का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं पॉलिस्टर का निर्माण नाइलॉन का निर्माण किससे होता है ये अभी बहुत जल्द मैंने किसी पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ है कि नाइलॉन का निर्माण किससे होता है एक्रिलिक का निर्माण किससे होता है तो इन्हीं पेट्रोलियम से ही होता है ठीक है पेट्रोलियम से होता है अगर आपने देखा है क्वेश्चन तो एक बार मुझे बता दो जल्दी से ये क्वेश्चन अभी मैंने पेपर पता नहीं मैंने कहा क्लास में करवाया है मैंने करवाया ठीक है पॉलिस्टर नायलॉन एक्रिलिक इनका ये कहाँ से किससे प्राप्त करे जाते हैं पॉलीथीन मानव निर्मित प्लास्टिक इन सब के निर्माण में किया जाता है साथ ही साथ प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं पीडीएफ आपको मिलेगी साइंस बाई सारिका मैम टेलीग्राम पर या फिर सारिका द्विवेदी सर्च कर लेना उसी का ही लिंक है ठीक है तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ वहीं पर पेट्रोलियम को ही हम लोग क्या कहते हैं काला सोना भी कहते हैं पेट्रोलियम को क्या कहते हैं पेट्रोलियम को काला सोना भी कह दिया जाता है ठीक है पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना भी कहते हैं ये रहे पेट्रोलियम के संगठक कितनी बार मैंने क्लास में यूट्यूब पर ही क्वेश्चन करवाया हुआ है यहां पर कि पेट्रीन को रट लो जिसको कहते हैं रट्टा मार लो ठीक है एलपीजी क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है लिख करके क्वेश्चन देता है है कौन सा पेट्रोलियम का का घटक तो एलपीजी पेट्रोल मिट्टी का तेल अरे ऐसे करके याद कर लो ना हमारे यहाँ गाड़ी चलती है गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है हम लोग पहले स्टोव का इस्तेमाल करते थे मिट्टी का तेल पड़ता है गाड़ियों में डीजल भी पड़ता है हमारे घरों में जो है एलपीजी गैस भी होती है ठीक है इसके अलावा स्नेहक इस तेल पैराफिन मोम बिटुमिन तो तुम जानते ही हो ऐसे करके सात नाम याद कर लेने याद हुए कि नहीं याद हुए सफिशियंट है साथी। एल पेट्रोल मिट्टी का तेल डीजल स्नेहक तेल पैराफिन मोम और बिटुमिनस बिटुमिन ठीक है बिटुमिन है ये इनका ये सब पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं ठीक ये देखो बिटुमिन का इस्तेमाल पेंट और रोड को बनाने में करते हैं चलो भाई अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर पर चल रहे क्लास नंबर एट क्लास एट का अगला चैप्टर 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 है थोड़ी थोड़ी है है दहन एवं ज्वाला ठीक नेम अजीब आपको लग रहा होगा मैम वैसे नहीं लग रहा होगा क्योंकि क्यों सब कुछ पढ़ाया हुआ है ठीक है दहन एवं ज्वाला तो आपको पता है ना मैग्नीशियम जल करके मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ऊष्मा एवं प्रकाश देता है तो कास्ट कोयला वायु में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है ठीक है कास्ट लकड़ी का कोयला भी जब जलाते हैं सीओ टू गैस निकलती क्वेश्चन यही से छोटे छोटे निकाल के लाता है कि जब हम लकड़ी का कोयला जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश निकलता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इग्निशन टेम्परेचर क्या है

जैसे मान लो कोई भी चीज लेते हैं ना तो एकदम मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वह जलने लगता है एकदम मिनिमम टेम्परेचर तुरंत वो आग पकड़ ले उसे क्या कहते हैं इग्निशन कह दिया जाता है है ठीक वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं साथ ही साथ जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ठीक है ठीके? उनको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस उनको क्या कहा जाता है उनको हम लोग इनफ्लेमेबल कहा जाता है समझ गए कि नहीं, समझ समझ नहीं समझे ज्वलनशील पदार्थों में कौन कौन से आ जाएंगे जैसे पेट्रोल बोलते नहीं दूर रखो आग नहीं लगाओ गाड़ी के पास आग मत लगाओ क्यों क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत कम है तुरंत आग पकड़ लेगा ठीक है एल्कोहल एलपीजी ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं हल्की सी चिंगारी दो तुरंत गैस में आग लग जाती कि नहीं लग जाती तुरंत एक लाइटर जलाया आग लग गई ठीक है नहीं तो भला लाइटर से तुम दीपक जला के दिखाओ नहीं जला पाओगे लेकिन पेट्रोल जला दोगे अल्कोहल जला दोगे एलपीजी जला दोगे दो तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं और जो बहुत कम ताप पर जो आग के साथ जलने लगते हैं उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है अब आगे देखो ये देखो ये प्रश्न ये प्रश्न वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं फॉस्फोरस को हम किस में रखते हैं फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि कमरे के ताप पर ही वायु में जल उठते हैं रूम पे जलने लगेगा। तुम ए, हमने तो कुछ किया भी नहीं है अरे तु, वो तुम सोच रहे हो तुम्हारे दोस्त ने आग लगा दिया दोस्त सोच रहा तुमने आग लगा दिया जबकि वहां तो कुछ और ही कमाल चल रहा था तो कुछ ऐसे पदार्थ होते जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं और तुम दोनों आपस में पिटाई करने में शुरू हो पता चला तब तक, तक, तक वो जल के राख हो गया ठीक है इसलिए इसको हम किस में रखते हैं पानी में भर के रखते हैं, ठीक है पानी में ऐसे ही ऐसे ही सोडियम को भी सोडियम कह रहे ऐसे ही हाँ सोडियम को भी किसमें कैरोसिन में रखा जाता है चलो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जब जल उठता है कोई चीज बिना किसी कारण से लपटों के साथ यही बिना कारण के लपटों के लपटों साथ जल उठे इनको ही स्वतः दहन कहा जाता है इनको क्या कहते हैं इनको स्वतः दहन कहा जाता है अच्छा भाई क्वेश्चन यहां से पूछता है ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं क्या आदर्श ईंधन की क्या विशेषता है पूछा है कि नहीं पूछा ये तो यूपी डेट में पूछा है अच्छा ईंधन की क्या विशेषता है अच्छा ईंधन वह होता है जो सहज तरीके से उपलब्ध हो मतलब आसानी से उपलब्ध हो जो सस्ता हो ठीक है आराम से उपलब्ध होता हो जो वायु में सामान्य दर से सुकमता पूर्वक जल जाता हो आसानी से ये नहीं जलाए पड़े जलाए पर फू फूक रहे फूकनी से कंडा-वंडा जैसे जलाया जाता वैसा नहीं ठीक है सहज उपलब्ध हो आसानी से उपलब्ध हो सस्ता हो वायु में सुगमता पूर्वक जल जाता हो या अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी खूब उत्पन्न करता हो साथ ही साथ जलने के बाद इतना राख ना दे दे कुछ बचा ही नहीं हुआ कितना अच्छा जैसे इस अच्छा वाला, अच्छा वाला एग्जांपल देते इस समय सर्दियां चल रही ना सबके घर पे आग जलती होगी आग जलने के साथ साथ इधर उधर भी उड़ उड़ के गिरता है ठीक है उसके बाद तसले में भी इतना बच जाता है तो ये तुम्हारा कोई अच्छा ईंधन नहीं है अच्छा ईंधन वो जुम्मन जलाओ अरे कुछ बचा ही नहीं वो है अच्छा ईंधन सहज उपलब्ध हो सस्ता हो वायु में सामान्य दर से जल रहा हो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो जलने के बाद कुछ भी ना बचे उसको कहा जाता है ईंधन समझ गए समझ गए कि नहीं समझ गए ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसमें कि आदर्श ईंधन हो है ना ये तो वही वाले सपनों वाली चीजें हो गई कि मतलब हम लोग जैसे नहीं बचपन में सोचते थे मम्मी कितना डांटती है सपने वाली मम्मी की ऐसी मम्मी मिल जाए जो डांटे ही ना खूब खाने को दे, सिर्फ कह दे सोते रहो पढ़ो नहीं है ना वो तो सपने वाली बात हो गई तो वैसे ही इस तरीके का कोई एक आदर्श ईंधन दुनिया में पॉसिबल नहीं है ठीक है ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जाए नो फ्यूल डाट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा ईंधन की विशेषता क्या होती बाई चांस दुनिया में अच्छा ईंधन बचे बने तो ये सारी चीजें मिले सहज उपलब्ध हो सस्ता हो सामान्य दर में जलता हो अधिक उष्मा उत्पन्न करता हो कुछ भी बचे नहीं अब यहां से क्वेश्चन पूछा था हर एक लाइन से अभी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं अभी आप सबको क्वेश्चन दिखाते हैं क्या उष्मीय क्या है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है उष्मीय मान क्या होता है ठीक है उष्मीय मान क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है ये क्वेश्चन पूछता है तो किसी ईंधन के एक किलोग्राम के पूर्ण दहन से एक किलोग्राम ईंधन जब पूरा जल जाए ठीक है उसमें से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ही को ही क्या कहते हैं ऊष्मीय मान कहते है, वैल्यू कहते हैं हैं वैल्यू यूनिट क्या होती है क्वेश्चन पूछा गया किलो जूल पर केजी आप प्रश्न लगा करके देख लेना सारे सारे के सारे। के के ठीक है ईंधन किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीय मान कहते हैं और यूनिट होती है किलो जूल पर के चलो भाई आगे बढ़ते हैं ये वाला पन्ना भी मोस्ट इंपोर्टेंट रटने की जरूरत नहीं है ट्रिक बताते हैं उसी से याद कर लेना सबसे से ज्यादा उष्मीमान किसका होता है हाइड्रोजन का होता है सबसे ज्यादा उष्मीमान मान किसका होता है हाइड्रोजन का होता है यानी सबसे अच्छा ईंधन किसको कह देते हैं हाइड्रोजन को कह देते हैं ठीक है डेढ़ लाख ठीक है डेढ़ लाख जिसकी कामना करते हो इतनी सैलरी हो ठीक है डेढ़ लाख जो है क्या होती है हाइड्रोजन का ऊष्मी मान हाइड्रोजन का ऊष्मीमान हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं भविष्य का ईंधन इसे क्या कह दिया जाता है इसे ही कहते हैं हम लोग भविष्य का ईंधन ठीक है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग भविष्य का ईंधन साथ ही साथ ईंधन जब जलता है ना हाइड्रोजन जब जलता है ना बहुत सारे बच्चे का इंग्लिश में भी बोल सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बता भी रहा है इंग्लिश में पॉसिबल

माना माना कि पेट्रोल का रेट ज्यादा है डीजल का कम है मिट्टी का तेल उससे भी कम है लेकिन इनका जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना सेम है, ध्यान दो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इनका वैल्यू सेम है समझ गए बाकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी का है फिर किसका है फिर सीएनजी का है और मेथेन का है एलपीजी तो का पचपन हजार सीएनजी oh, और मेथेन का पचास हजार बाकी पैतालीस हजार लकड़ी का सत्रह से बाईस हजार होता है समथिंग सत्रह से बाईस हजार भैया ये लो इंग्लिश वाले देख लो हाइड्रोजन बायोगैस एलपीजी सीएनजी मेथेन डीजल ठीक बता तो रहे कैलोरिफिक वैल्यू बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ वन के जी ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू चलो भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं अनामिका देखते हैं ठीक है ईंधनों का अपूर्ण दहन देखो अगर हमारा ईंधन ना क्वेश्चन ये भी पूछा गया है अगर ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलता है तो कौन सी गैस निकलती है ईंधन का अपूर्ण दहन कौन सी गैस देता है कार्बन मोनोऑक्साइड देता है ठीक है जो कि एक विशाली गैस है ठीक है ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनो निकलती है और कार्बन मोनो को क्या कहते हैं दम घोटू गैस भी कहा जाता है ना दम घोटू गैस भी कार्बन मोनो को कहते हैं इसके अलावा अम्लवर वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं तो अम्ल वर्षा के लिए देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनना अगर हम कोयला या फिर डीजल को जलाते हैं गाड़ी हमारी चलती है कोयला या फिर डीजल जब जलता है ना तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है ये कम लोगों को पता होता है ये कम लोगों को जानकारी होती है अगर हम गाड़ी चला रहे होते कोयला या फिर डीजल जब जलता है तो एसओ गैस निकलती है वहीं अगर हम पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन वही गाड़ी जब पेट्रोल वाली चलती है तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं यही सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में यही जब पानी में पानी में घुल जाते हैं क्या बना देते हैं एच टू एसओ फोर बना देते हैं ठीक है अम्ल वर्षा बनाते हैं और यही अम्ल वर्षा जो है फसल को प्रभावित करती है भवनों को घरों को प्रभावित करती है मिट्टी को प्रभावित करती है यही वाली प्रभावित करती है समझे तो डीजल और कोयला के दहन से एसोटू और पेट्रोल इंजन के दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं ठीक है एच एन ओ थ्री बना देती है समझ गए कि नहीं समझ गए समझे कि नहीं समझे तो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ने ले लिया है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है तो सीएनजी एक अधिक अच्छा ईंधन है इसीलिए अब हम लोग सीएनजी की गाड़ियां चला रहे हैं सीएनजी वाली गाड़ियां क्योंकि ये जो है ना बहुत कम मात्रा में सल्फर या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन करती है जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है अब हमारा अगला चैप्टर अब हमारा एक अगला चैप्टर कौन सा पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण ठीक है अब हमारा अगला चैप्टर कौन सा पौधों एवं पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण तो जैव विविधता का क्या मतलब होता है यहां ना बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे अच्छा ये बता दो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है अगर हम ये आपसे जवाब पूछे ये भी क्वेश्चन पूछ, पूछ लिया जाता है पूछ लिया जाता है जल दिवस कब मनाते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं ये तीनों चीजें पूछ ली जाती है तो जल दिवस 22 मार्च को पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है ठीक है तो जैव विविधता का क्या अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधों जंतुओं मतलब सिर्फ देखो ऑप्शन क्या देता है कि जैव विधता का मतलब होता है सिर्फ पौधों जहां पर बहुत ज्यादा प्रजातियों पाई जाती है या सिर्फ जंतु जहां विभिन्न प्रजातियों में नहीं पौधे भी हो सकते हैं जंतु भी हो सकते हैं सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं कुछ भी विभिन्न प्रजातियां मतलब एक ही वैरायटी नहीं बहुत सारी वैरायटी जब पाई जाती है तो इनको ही वहां पर जैव विविधता देखने को मिलती है इसके अलावा पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो वन्य जंतु अभ्यारण्य है तो कभी कभी आप साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन देख लेते हो ना क्योंकि साइंस का ही चैप्टर है ठीक है तो सतपुरा कहा पर है या जा मंडल पंचमढ़ी कहां पर है मंडल आरक्षित क्षेत्र है अब थोड़ा सा यहां पर देखेंगे ये ना छोटा सा छोटा सा छोटे छोटे पॉइंट है ये, मेरी बात ध्यान से सुनो जो कि आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने होते लेकिन आप तो पेपर में देखने को मिल जाता yes, है बिल्कुल बलराम ठीक है लेकिन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं छोटे छोटे से पॉइंट है क्या वन्य प्राणी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम है जो वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने होते हैं ठीक है? भारण्य का क्या काम होता है राष्ट्रीय उद्यान का काम क्या होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या होता है ठीक है हमने बताया ना जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा टॉपिक एप्लीकेशन पर करवाया गया है लेकिन एक एनसीआरटी की कंप्लीट समरी हम आपको YouTube पर देंगे तो आप कुछ भी मत सोचो हम यहाँ के वहां के ये हुआ ये नहीं हुआ सब कुछ आपको मिलेगा लेंस और दर्पण भी मिलेंगे लेकिन आपको पता है क्लास एथ में ना चैप्टर नंबर थर्टीन है लाइट वाला चैप्टर तो उस पर मिलेगा ठीक है उस पर मिलेगा फिर ना टॉपिक वाइज बुरा चैप्टर वाइज चल रहे ना तो सीक्वेंस में वही चीज है ना कि जब आप चल रहे हो तो सारी चीजें अच्छी थोड़ी मिलेंगी सारी फेवरेट चीजें भी नहीं मिलेंगी कुछ अच्छी फिर कुछ खराब मतलब जीवन तो यही होता है ना वैसे ही ये सारी चीजें तो वन्य वन्य एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन्य प्राणी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आरक्षित तो क्षेत्र ये सारी होती है ये देखो जैव विविधता का क्या अर्थ होता है इंग्लिश भी मिलेगा भैया प्लीज वेट करो इंग्लिश भी मिलेगा लेकिन एक टाइम पर एक ही वर्ड तो बोल पाएंगे हम ठीक है जैव विविधता का क्या अर्थ होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न प्रजातियां ध्यान दो ध्यान दो ठीक है हाँ बिल्कुल ईवीएस में भी काम करता है जैव विद्या का क्या अर्थ होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की बहुत सारी किस्में विभिन्न किस्में इस यही मतलब होता है जैव विविधता का ठीक है किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं ठीक है ये कहाँ के हैं ये कहाँ के बिलोंग करते हैं ये पौधा कहाँ का है ये जंतु कहाँ का है ये सारी चीजें विशेष क्षेत्र किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं ध्यान दो आपको हम एक पढ़ाते ना साइंस के क्वेश्चन करवाते हैं अगर ध्यान हो तो हमारे मतलब रेगुलर वाले स्टूडेंट है उन्हें पता है कि बच्चे ये ना साइंस में ईवीएस वाला जो पार्ट होता उसका question है उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ देता विशेष क्षेत्रीय स्पेसिस का क्या मतलब है याद आया कि नहीं आया ये बताओ जल्दी से इंग्लिश समरी मिलेगी रतिक बस दो मिनट वेट करो इसको खत्म तो करने दो विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति उसे कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय ठीक है इसके अलावा संकटापन्न स्पेसीज का, मतलब तो का मतलब होता है जो विलुप्त होने के कगार पर है उनको संकटापन्न कहा जाता है ठीक है जो विलुप्त होने के कगार पर है उनको हम लोग उनको हम लोग संकटापन्न कहते हैं ठीक इसके अलावा रेड डेटा बुक में क्या होता है रेड डेटा बुक में रेड डेटा पुस्तक में संकटापन्न सजीवों का रिकॉर्ड होता है तो कोई विशेष क्षेत्र नहीं बोलेगा उनका जिक्र जो है रेड डेटा बुक में किया जाता है प्रवास का क्या मतलब होता है प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पेसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चले जाना प्रवास का क्या मतलब होता है प्रवास का मतलब होता है जैसे कोई स्पेसीज है कोई एक पूरी की पूरी प्रजाति हर वर्ष प्रजनन के लिए किसी विशेष जगह चली जाती फिर अपनी जगह पर आ जाती है इसी घटना को ही प्रवास कह दिया जाता है ठीक है इसी घटना को क्या कह देते हैं इसी घटना को हम लोग प्रवास कह देते हैं चलो आगे बढ़ेंगे समझ रहे हो ना देखो ये चीजें अगर आप एक बार सुन भी लेगे ना छोटे बच्चे तो हो नहीं सुन भी लोगे तो तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी और आपको पेपर टाइम कहेगा कि अरे हाँ ये तो मैंने सुना हुआ है यही वाला ऑप्शन होगा ठीक है चलो हमें वृक्ष और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत उसका पुनः उपयोग पुनःक्रण करना चाहिए ठीक है हमें इन सब का बचत भी करना चाहिए पुनर्वरोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना चाहिए मतलब फॉरेस्टेशन करना चाहिए ए फॉरेस्टेशन चलो भाई इंग्लिश वाले बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हो ना ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हें ना हम चलो भाई शुरू हो जाओ ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू द एरियाज मीन फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ठीक है जैसे ये वन्य जीव अभ्यार ने नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व ये सब जो बनाए जाते हैं ना ये जंतुओं और पौधों के संरक्षण के लिए ही बनाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया है ना बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी बहुत सारी वैरायटी ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द एरिया

ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं जीवन में ये क्या हो रहा है चलो भाई अब अगला चैप्टर अगला चैप्टर थोड़ा सा बीच में छोटा सा चैप्टर था अब अगला चैप्टर जंतुओं में जनन ठीक है एनिमल रिप्रोडक्शन जंतुओं में जनन एनिमल रिप्रोडक्शन हाँ हाँ अभी सब कुछ ही मिलेगा ये देखो एक ही पेज में दोनों चीजें हैं तो जंतुओं में जनन कितने प्रकार का होता है दो प्रकार से होता है एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन ठीक है एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है अब देखो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को क्या कहा जाता है लैंगिक जनन कह देते हैं रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल अभी 2023 में इसका क्वेश्चन पूछा गया वो भी लेकर के आए अभी हम आपको दिखाते हैं रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं अब देखो मादा के जननंग कौन कौन से होते हैं यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मादा के जननंग कौन कौन से होते हैं अंडाशय अंडवाहिनी और गर्भाशय अंडाशय अंडवाहिनी और गर्भाशय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज ओवीडक्ट एंड यूटरस ठीक है ओवरीज

प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवरी जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती अंडाणु वृषण जो है नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं एंड टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म ठीक है टेस्टिस जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसको स्पर्म कहा जाता है अब आगे देखेंगे अंडाणु एवं शुक्राणु के संलयन निषेचन कहलाता है निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है सेम लाइन अभी हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे जो कि 2023 में पूछी गई है और मैंने इसको पहले भी पढ़ाया हुआ है ठीक है द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट फर्टिलाइज एग को क्या कह दिया जाता है दाइगोट कह देते हैं इसको ध्यान रखना अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहा जाता है निशेचित अंडा युग्मनज कहलाता है मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निशेचन कहते हैं मादा के अंदर होने वाले निशेचन को क्या कहते हैं आंतरिक निषेचन कहते हैं यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी गाय कुत्ते इन सब में क्या होता है आंतरिक निशेचन होता है ठीक है तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है कुछ जैसे कि मेढक हो गया तो ये वाले नाम याद रखना मेढक हो गया मछली हो गया स्टार फिश हो गया जो बाहर होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं ठीक है वाह निशेचन कहते हैं तो फर्टिलाइजेशन डैट डेट्स दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिस इज ऑब्जर्व इन फ्रॉग फिश एंड स्टार ठीक है frog fish and star fish युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है कहाँ पर युग्मनज में भ्रूण बनता है भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है तथा उसकी वृद्धि एवं परिवर्तन होते हैं ठीक है zygote divides repeatedly to give rise to an embryo embryo gets embedded in the wall of uterus चलो भाई ये वाला देखो इसको भी रहने दो क्वेश्चन देखो ये रहा क्वेश्चन भी 2023 20 अगस्त 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया और आप खुद ही देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन करिए ये तुम्हारा 20 अगस्त 2023 में पूछा गया प्रश्न जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भर रहे हैं निषेचन के समय पिता के शुक्राणु एवं माता के अंडाणु संलित होकर के क्या बनाते हैं अभी अभी आपने पढ़ा है ठीक है जो कि बारम बार विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं कोशिकाएं विभिन्न अंगों एवं परिवर्तन होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं जो कि डैश की दीवार में रोपित होता है डैश की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे हम क्या कहते हैं अभी मिला कि नहीं मिला सारे बच्चे जवाब देंगे सारे बच्चे जवाब देंगे क्या कह रहा है सारे बच्चे जवाब देंगे जल्दी से बी आंसर सोच समझ के बोलो क्लास कैसी लग रही है ये बता दो एक बार में सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्लास कैसी लग रही है तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए निषेचन के समय पिता के शुक्राणु माता के अंडाणु मिल करके क्या बनाते हैं युग्मनज बनाते हैं क्या बनाते हैं युग्मनज बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं कोशिकाएं विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है इस विकसित संरचना को हम क्या कहते हैं भ्रूण कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं भ्रूण कहते हैं जो कि गर्भाशय की, की दीवार को जो कि गर्भाशय की, की दीवार में रोपित हो जाता है और और भ्रूण की भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे हम गर्भ कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं गर्भ कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा ये अभी अभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो कि इन्हीं लाइनों से बना हुआ क्वेश्चन है ठीक है जो कि इन्हीं से ही बना हुआ क्वेश्चन है ठीक है युग्मनज में अनेक विभाजन होते तो तब भ्रूण बनता है ठीक है चलो भाई अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं इसके पहले ठीक है तो वो सुन लो एक बार भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके शारीरिक भाग विकसित हो करके पहचान योग्य हो जाते हैं उसे गर्भ कहते मिला लाइन की नहीं मिला ये बताओ मैं मिला लाइन की नहीं मिला ठीक है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग विकसित होकर के पहचान योग्य हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे ही गर्भ कहा जाता है ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो अंडे देने वाले को, को क्या कहते हैं बच्चे देने वाले को क्या कहते हैं ठीक है ठीके? तो मनुष्य गाय एवं कुत्ते जो शिशु को जन्म देते हैं जो जंतु को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहा जाता है ठीक है उन्हें जंतु जरायुज कह दिया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं उनको हम लोग जरायुज कह देते हैं या फिर विवि कहा गया उनको हम लोग पेरस कह देते हैं ठीक है इसके अलावा मुर्गी मेढक छिपकली तितली जो अंडे देने वाले होते हैं उनको अंड प्रजक या फिर ओवी पेरस कह दिया जाता है उनको हम लोग क्या कह देते हैं उनको ओवी पेरस कहते हैं लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को ही कायंत्रण कहते हैं ठीक है लार्वा जो मेढक वगैरह नहीं होता इल्ली वगैरह लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को ही कायंत्रण कहते हैं जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है है ना अभी बताया दो प्रकार के होते हैं लैंगिक जनन अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में मेल फीमेल होते हैं अलैंगिक जनन में केवल एक ही होता है एक ही पैरेंट होता है केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं यहां से क्वेश्चन पूछता है वैसे तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं फिर भी लेकिन एक मोस्ट कि हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार करवा देंगे पूजा नाइन टेंथ का भी हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है मुकुलन बडिंग इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं बडिंग कहते हैं अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर के संतुत्पन्न करता है इस प्रकार अलैंगिक जनन को द्वी खंडन कहते हैं तो क्वेश्चन पूछता है हाइड्रा हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है बडिंग द्वारा होता है और अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है किसके द्वारा फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है

इनटू एडल्ट लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन इसे मेटामोर्फस कहते हैं रूपांतरणसोड ओनलीवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है उसको अल रिप्रोडक्शन कहते हैं उसको क्या कहते हैं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ठीक है हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअुअल डेवलप बड के द्वारा होते हैं क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे बडिंग कहते हैं और अमीबा में क्या होता है बाइनरी फिजन दुई भी खंडन होता है ठीक है कह सकते हो या बाइनरी फिजन भी बोल सकते हो ठीक है इसको हम लोग बाइनरी फिजन बोल देते हैं ठीक है बाइनरी फिजन द्विखंडन खंडन बोलते हैं वैसे तो ठीक है चलो भाई ये देखो देख लो अमीबा अमीबा में क्या हुआ द्विखंडन एक अमीबा था इसका जो अंदर जो न्यूक्लियस था पहले दो पार्ट में विभाजित हुआ धीरे धीरे करके इसने अपने अमीबा केंद्र को पूरा ही अलग कर लिया फिर धीरे धीरे करके दो पार्ट में डिवाइड हो गए हाइड्रा में मुकुलन कैसे थोड़ा सा बड निकल के आया फिर थोड़ा सा ऐसा बड निकल के आया फिर इससे बड़ा सा बड निकल करके आ गया फिर यहां से ये पूरा अलग हो गया इसी को ही कह देते बडिंग कह देते इसे ही बडिंग कह देते है ये देखो मेढक का जीवन चक्र ठीक है अंडे से लार्वा में कन्वर्ट हो जाना लार्वा का पूरे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाना लार्वा का पूरे में कन्वर्ट हो जाना देखो अंडा आरंभी बाद का पुल अर्ली टैड लेटर टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग इसे ही कह देते हैं मेटा ठीक है कांत्रण मेढक का जीवन चक्र अब ये देखो भाई गर्भाशय में भ्रूण किस तरीके का होता है गर्भाशय में भ्रूण किस तरीके का होता है तो ये होता है मानव का अंडारू

फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन-कौन से होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरी ओविडक्ट और यूटरस ओवरी ओविडक्ट और यूटरस हो जाते हैं और मेल के जो है कौन-कौन से हो जाते हैं तो टेस्टिस पैनिस और स्पर्मडक्ट भाई हम थक गए नहीं थके इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है जरूरी क्या है आज आज के लिए क्या जरूरी है आज के लिए जरूरी आपकी क्लास 8th का क्लास 7th का पूरा का पूरा समरी कंप्लीट हो जाना जरूरी ये है हमारे लिए है ना बाकी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं तो हम भी थकेंगे तुम पढ़ रहे हो तुम भी थकोगे तो ये तो तीसरी बात हो गई जरूरी इस टाइम आपके लिए हमसे भी ज्यादा जरूरी आपके लिए इस क्लास को पूरा कंप्लीट करना तो तुम सुनते जाओ बस ठीक है और हम बार बीच बीच में भाषण देंगे टाइम खराब होगा अपना ठीक है हम चाहते हैं बहुत स्पीड में आप सब कुछ अब देखो एक, अगर की बात करेंगे अब तो इसके तीन पार्ट में डिवाइड होता बताया था आपको एनिमल रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन ना हम यहीं पे बता दे रहे हैं क्योंकि ना ये क्लास सेवेंथ में है क्लास सेवेंथ में आप पढ़ते हो प्लांट रिप्रोडक्शन लेकिन क्योंकि क्योंकि हम ये वाला पार्ट करवा रहे हैं तो मैंने यही ऐड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें ठीक है तो रिप्रोडक्शन क्या होता है अपने समान जीवों की उत्पत्ति अपने समान जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितना होता है दो तरीके से होता है एक तो कायिक अंगों द्वारा मतलब कि वेजिटेटिव ऑर्गन ठीक है एक तो वेजिटेटिव ऑर्गन के द्वारा होता है और एक फ्लावर के द्वारा होता है वेजिटेटिव ऑर्गन में कौन कौन से आ जाते हैं तो इसमें आ जाते हैं जड़ तना पत्ती कौन कौन आ जाते हैं जड़ तना पत्ती और फ्लावर में क्या होता है कुछ फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट होता है कुछ में फीमेल पार्ट होता है कुछ में दोनों तरीके के टाइप होते हैं ठीक है रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है असेक्शुअल और सेक्शुअल जैसे जंतुओं में होता है वैसे इसमें भी होता है असेक्शुअल मतलब बिना बीज के बीज नहीं होता है लेकिन नया पौधा निकल आता है किसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा काई के जनन के द्वारा ठीक है काई के जनन किससे होता है जड़ तना पत्ती से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही मेल और फीमेल का, के कारण जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है एक पन्ने में लिख दिए देखो पहले तो ये ध्यान से फिगर देख लो ये है गुलाब गुलाब नया गुलाब निकालते जानते हो ना गुलाब की कलम काट करके लगा दी जाती है जा गुलाब की कलम काट करके लगा दी जाती है अदरक का एक पार्ट ही काट करके लगा दिया जाता है यह है ब्रायोफाइलम जिसको हम कहते हैं पत्थर चट्टा यह है ब्रायोफाइलम जिसको कहते हैं पत्थर चट्टा यहाँ पर नई कली निकल आती है कलियों से नया पौधा निकल आता है यह है तुम्हारा ईस्ट ये क्या है ये है यीस्ट यीस्ट में क्या होता है बडिंग यीस्ट में क्या होती है बडिंग होती है बट्स क्वेश्चन पूछा जाता अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे हम आपको फ्रेगमेंटेशन इन जैसे तालाब में काई वगैरह देखते हो ना काई धीरे धीरे करके पूरे में फैल जाती है तो एक काई पहले दो में बटेगी फिर दूसरी वाली दो में 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 इस तरीके से पूरे तालाब में काई हो जाती है इसको ही क्या कह देते हैं इसको ही फ्रेगमेंटेशन कह देते हैं ठीक है इसके अलावा एक होता है स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया किसमें होती है फंगस में और फर्न में एक सिकटे से लिखा हुआ है इकट्ठे से लिखा हुआ है इसको देख लेना मॉस तथा फर्न में जनन किसके द्वारा होता है बीजाणु द्वारा शकरकंद और डहेलिया में किसके द्वारा होता है जड़ों द्वारा यीस्ट में किसके द्वारा होता है मुकुलन और बडिंग द्वारा पत्थर चट्टा में किससे होता है पत्ती द्वारा आलू में किससे होता है आंख द्वारा गुलाम में किससे होता है तने से कलम से या नोड से और स्पाइरोगायरा में किससे होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा खंडन द्वारा ठीक है फ्रेगमेंटेशन द्वारा खंडन द्वारा होता है समझ गए कि नहीं समझे समझे कि नहीं समझे एक बार सारे बच्चे करेंगे और एक बार सब फिर से पानी वानी पी करके एकदम से बैठ जाओ पूरी एनर्जी के साथ में ठीक है अभी हम लोग कितनी देर पर मिनट कितने पढ़ते हुए नब्बे तो ऐसे चुटकियों में पढ़ लेते हैं ना चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैच आइटम्स इन कॉलम वन एंड कॉलम बी कॉलम एक को कॉलम दो से मिलाओ बुला के ले आओ अपने सारे पड़ोसियों को है ना कि भाई क्लास जो है ना चल रही है बंद नहीं हुई भी कटिंग स्पोर फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग ये बताएंगे ये क्या होता है ये बताएंगे ये क्या होता है जल्दी जल्दी से फटाक से मैच करवा दो कटिंग किसमें करते हैं स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है और बडिंग किसमें होती है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे आप सभी बच्चे जवाब दो आज जनता जवाब चाहती है चलो भाई फास्ट फास्ट आंसर कर दो जल्दी से बी आंसर पक्का पक्का बी वाला गलत करे तो सोच लेना कटिंग किस में करी जाती है रोज में करी जाती है स्पोर फॉर्मेशन में 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 होता 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 है 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 फ्रेगमेंटेशन किस बडिंग किस में होता है? यीस्ट में होता होता है है यीस्ट बहुत सही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा ये हिंदी में लिखा हुआ है कटिंग गुलाब में बीजाणु निर्माण फर्न में कटिंग गुलाब में बीजाणु निर्माण फर्न में विखंडन स्पाइरोगैयरा में मुकुलन हीस्ट में आलू में आंख द्वारा होता है चलो इसको बताओ मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी दोनों कॉलम को मैच करवा दो एल्गी फंजाई डहलिया कैक्टस एल्गी फंजाई डहलिया कैक्टस जल्दी से बताएंगे एल्गी फंजाई डहलिया कैक्टस एल्गी फंजाई डहलिया कैक्टस जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे एल्गी फंजाई डहलिया कैक्टस जल्दी से एलगी फंजाई डहलिया कैक्टस जल्दी से फास्ट एलगी 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 तो फ्रेगमेंटेशन होता है फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है डहेलिया बताया था ना जड़ों द्वारा होता है और कैक्टस कैक्टस में बॉडी पार्ट को अलग करके डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट ऑप्शन कौन बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी कौन बोला क्या लगा रहे हो डी को फोर्थ किससे मैच करवा रहे हो भाई क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो तुम ये डी कहां से भैया हमें हमें रुक जाओ अच्छा तुम लोग डी बना रहे ना एक हो सेकंड से एलगी में फ्रेगमेंटेशन करवा रहे हो ठीक है चलो फंजाई में क्या करवा रहे हो फंजाई में क्या करवा रहे हो फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन डहलिया में क्या करवा रहे हो डहलिया में जड़ों से अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन को तुम दिखा रहे थे अच्छा ठीक है कैक्टस में क्या करवा रहे हो ठीक तो है सही ओडी ठीक सही ओडी हम ही सोच रहे हैं कि बी पता नहीं क्या बताया शवाल शवाल बताएंगे फपून वो तो वही वाला है सही हो चलो अच्छा ये वाला बताओ निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा बडिंग द्वारा प्रजनन करता है सही हो सही हो दिमाग हैंग जिसको कहते हैं लगा सही रहे हैं लेकिन पता नहीं मैं पता नहीं क्यों लग रहा था बी वाला है जीवो का कौन सा युग्म बडिंग द्वारा प्रजनन करता है बडिंग किसमें होती है अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया बडिंग बताएंगे किसमें होती है बडिंग बडिंग में होती है यीस्ट और हाइड्रा में यीस्ट और हाइड्रा में है ना हाइड्रा में बडिंग होती बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलो भाई बहुत बढ़िया चलो भाई और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ये देखो अब ये वाला अगला वाला एडोल्टर एडौ, वाला चैप्टर आपके आर में एक एडोलसेंस का चैप्टर आता है बाकी बीच में मैंने क्लास सेवन का ऐड किया था कि उसको भी बता देंगे बट वो अब सीक्वेंस में चल रहे हैं तो सीक्वेंस में ही चलते हैं ठीक है अभी ये हमारा एडोलशंस वाला किशोरावस्था वाला जो चैप्टर है वो वाला चैप्टर सब सीक्वेंस यही कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास एट्थ चल रही और है और हम आपको एक मिनट बताते हैं कि चैप्टर नंबर कहाँ पर पहुंच गए कौन से चैप्टर में पहुंच चुके हैं हम लोग हम लोग कौन से चैप्टर में पहुंच चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर सेवन ठीक है हम लोग चैप्टर नंबर सेवन पर पहुंच चुके हैं तेरह चैप्टर है क्लास एट्थ में तेरा चैप्टर देखो भाई गले में जो है ना क्या होता है लड़कों के गले में लड़कों के गले में एक जैसे आगे से देखो रहे हो ना ये निकल आता है इसको क्या कहते हैं इसको एडम सप्पल कह दिया जाता है इसको क्या कह देते हैं हाँ यह ये सिर्फ लड़कों में होता है स्वर यंत्र ठीक है स्वर यंत्र जिसको कहते हैं लड़कों में आ जाता है एडम सप्पल इसके अलावा यहां से क्वेश्चन पूछ जाता है पीयूष ग्रंथ आपको पता है आपकी बॉडी में पीयूष ग्रंथ पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं ट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं तो पीयूष ग्रंथि से श्रावित हार्मोन जनांगों को टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन श्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है ठीक okay, है जो मेल में होता है क्वेश्चन पूछ लिया आता है मेल में कौन सा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन फीमेल में कौन सा होता है एस्ट्रोजन होता है इनको श्रावित करने के लिए प्रेरित कौन करता है इनको श्रावित करने के लिए हमारा पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता कहां पर है ये रहा दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि हमारे दिमाग में होता है इसी से ही वृद्धि हार्मोन भी रिलीज होता है इसी से ही थायरॉइड थायरोक्सिन ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है इसके लिए प्रेरित कौन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल से एड्रिनल एड्रिनल से एड किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है ना एड्रिनल ग्रंथी से एड्रिनेलिन हार्मोन जो है रिलीज करने को प्रेरित कौन करता है यही पिट्यूटरी ग्लैंड करता है ठीक है ये यह देखो यहाँ पर गले में थायराइड इसी गले के पीछे थायरॉइड भी होती है किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है मिक्स्ड ग्लैंड हमारी पैनक्रियाज होती है फीमेल में ओवरी होती है मेल में टेस्टिस होती है फीमेल में टेस्टिस होती है चलो भाई ये वाला 20 अगस्त 2023 में पूछा गया प्रश्न 20 अगस्त 2023 में पूछा गया प्रश्न ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें सी से आदेश प्राप्त होता है निम्नलिखित में से एबीसी कौन है बिल्कुल पीयूष ग्रंथ कोई मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बहुत अच्छे मोहिनी चलिए बताइए चलो भाई जनता जब आप चाहती है आंसर करो। आंसर करो कर दो तो, कोई बीच में ये नहीं मैडम थक गई हो गया। अरे भाई पढ़ाएंगे तो थक ही जाएंगे लेकिन थकना जरूरी नहीं है ना इंपॉर्टेंट है चैप्टर कंप्लीट करना है ना टारगेट टारगेट के बीच में थकना वकना नहीं आता है अपने ठीक है चलो भाई इसे बताओ जल्दी से थारॉयड था और एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन से तब अपने हार्मोन तब श्रावित करते हैं जब उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रेरित करती है 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 ना जब उन्हें पीयूष ग्रंथि प्रेरित करती है। समझ गया कि नहीं हमने बताया ना थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है किडनी में ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि इनको रिलीज करने के लिए प्रेरित कौन करता है पीयूष ग्रंथि प्रेरित करता है समझ गए समझ ये सब कुछ एनसीआरटी में लिखा हुआ है मैंने नोट नहीं किया क्योंकि हमने कहा क्वेश्चन से तो देख ही रहे हो चलो भाई अब यहाँ से लिंग निर्धारण कैसे होता है लिंग निर्धारण कैसे होता है तो आपको पता है ना मेल 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 शुक्राणु से स्पर्म रिलीज होते हैं स्पर्म मेल में कैसे डिसाइड होता है एक्स और वाई होता है ना एक्स और वाई और, और, और फीमेल में क्या होते हैं फीमेल में एग अंडाडू होते हैं का क्या होता है एक्स एक्स तो जब वाई और एक्स आपस में मिलते हैं तो फिर मेल लड़के का जन्म होता है जब एक्स एक्स और X आपस में मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है ना जब मेल का वाई और फीमेल का एक्स तो फिर लड़के का और मेल का भी एक्स फीमेल का भी एक्स तो फिर लड़की का जन्म होता है तो यही लिखा हुआ है सेक्स डिटर डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन चलो ये है तुम्हारा एनसीईआरटी का कुछ समरी जिससे कि तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चलेंगे जो कि एग्जाम में देखा ही देख ही तुमने इस बार पूछा गया है इस बार एग्जाम में पूछा गया है तो हम लोग सारे के सारे पॉइंट को भी पढ़ते हुए चलते हैं चलो ठीक है हार्मोन जो है हार्मोन किससे श्रावित होते हैं कौन सी ग्रंथियों से हार्मोन श्रावित होते हैं ठीक है ठीक है अंकित हार्मोन कौन सी ग्रंथियों से श्रावित होते मिनट मिनट हो गए हार्मोन जो है अंता ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड से श्रावित होते हैं जो रुधिर में सीधे प्रवाहित होते हैं जो कि हमारी ब्लड में डायरेक्ट फ्लो होते हैं ठीक है ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि हार्मोन श्रावित करते हैं जैसे कि कौन कौन से वृद्धि हार्मोन अभी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे इसलिए टाइम लग जाएगा ग्रोथ हार्मोन और अन्य हार्मोन और कौन कौन से वृषण अंडाशय ओवरी थायराइड एड्रिनल को भी हार्मोन को श्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं पैनक्रियाज जो है ध्यान से सुनिएगा पैनक्रियाज इंसुलिन के श्राव को प्रेरित करते मतलब अग्न्याशय से इंसुलिन का श्राव होता है थायरॉयड से थायरोक्सिन का श्राव होता है एड्रिनल से एड्रिनेलिन हार्मोन का श्राव होता है इनको श्रावित करने के लिए प्रेरित कौन करता है पीयूष ग्रंथि प्रेरित करता है समझ गए ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन श्रावित होते हैं वृद्धि हॉर्मोन इसके अलावा वृषण अंडाशय थाइरोयड एड्रिनल ग्लैंड श्रावित होते हैं अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है थाइरोयड से कौन सा थायरोक्सिन। एड्रिनल से कौन सा एड्रिनेलिन हार्मोन रिलीज होता है ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए बताएंगे यहाँ याद करने की जरूरत है क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है इसी बार एग्जाम में पूछा गया है ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन एक क्या है एक नर हार्मोन मतलब मेल हार्मोन है कौन सा टेस्टोस्टेरोन ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि टेस्टोस्टेरोन क्या है एक मेल हार्मोन है वही एस्ट्रोजन आपका क्या है एक फीमेल हार्मोन है ठीक है एस्ट्रो एस्ट्रोजन क्या है एक फीमेल हार्मोन है ये देखो गर्भाशय की दीवार निश्चित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है जो गर्भाशय होता है ना फीमेल में गर्भाशय वो अंडाणु को ग्रहण करने के लिए ठीक है युग्मनज बनाने के लिए अंडा अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित हो के शरीर के बाहर रक्त के साथ प्रवाहित होती है इसे ही हम लोग ऋतु श्राव कह देते हैं जो कि हर मंत्र होता है है ना तो भाई यहाँ से देख लेते हैं कहा गया ये रहा हॉर्मोन्स आर सिक्रिएशन आर सिक्रिएशन ऑफ

हार्मोन, ठीक है? है, करते है क्या करते हैं? जो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं थारॉयड क्या प्रोड्यूस करते हैं थायरोक्सिन को और एड्रिनल क्या प्रोड्यूस करते हैं एड्रिनेलिन को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है एड्रिनेलिन को प्रोड्यूस करते हैं इसके अलावा टेस्टोस्टोरॉन क्या होता है एक मेल हॉर्मोन होता है एक एक मेल हार्मोन हार्मोन होता है, है, वही एस्ट्रोजन क्या फीमेल जो बच्चे सिर्फ 2 परसेंट बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा वो रह, वो कोने का कोने ही पड़ा रह जाएगा तुम तो फिर एग्जाम हॉल में बैठ के सोचोगे अरे भाई वो क्लास कर आते तो मेरा रिविजन हो गया रहता ठीक है इस वजह से हमें पता है मेहनत लगता है बोर हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी रील देखने की आदत होती है ना कि नहीं हम रील ही देख लेंगे कौन पढ़ेगा तो बैठे रहो थोड़ी देर और बैठे रहो क्योंकि हमें भी नहीं पता क्लास कितनी देर तक की चलेगी हमें भी नहीं पता कब तक मेरे गले से आवाज निकलती रहेगी ठीक है तो जब तक निकल रहा है जब तक चीजें चल रही पढ़ लो भी इसको अच्छे से क्योंकि आपको पता है कल कल कोई क्लास नहीं है परसों भी कोई क्लास नहीं है परसों क्लास है मतलब अच्छा हाँ परसों एक बहुत अच्छी क्लास लेकर के आ रहे हैं वो भी बाद में एकदम लास्ट में बताएंगे उस क्लास में क्या मिलेगा टेस्टोस्टोरॉन एक मेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है पेडोलॉजी के लिए कुछ स्पेशल है उस दिन क्योंकि अभी तो हम लोग चीजें कर रहे हैं वॉल इन डेवलपिंग फर्टिलाइज एग ठीक है इनकेस देर इज नो फर्टिलाइजेशन द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरिन

ये देखो दोनों मिल करके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं हम कह रहे टेबल इधर रखेंगे वो कह रहा है टेबल हम इधर रखेंगे ठीक है तो इस वजह से यहां पर अब बात कर लेते हैं बल है क्या है तो बल वह धक्का वह खिचाव है ठीक है वह पुश या फिर पुल है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है ठीक है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है समझ गए कि नहीं यह क्या करता है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है तो इसे ही क्या दिया जाता है फोर्स तो एफ इक्वल टू क्या होता है एफ इक्वल टू होता है एम ठीक है इसके अलावा इसकी यूनिट होती है के जी इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो भाई फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी यूनिट हो जाती है ठीक है इसके अलावा इसकी सीजीएस में कितने फॉस्फोरस को, को, को पानी में रखते हैं भैया सोडियम को कैरोसिन में रखते हैं फॉस्फोरस को पानी में रखते हैं ना एक बार सारे बच्चे बताओ फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई अब देखो यहां पर बात करते हैं जैसे कि मान लो ये दो जने एक ही तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं तो इनका टोटल फोर्स किसके बराबर होगा F1 और F2 के बराबर होगा लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इसलिए इनका रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा F1 वन माइनस एफ के बराबर होगा इनका किसके बराबर होगा F1 वन माइनस एफ के ये दोनों एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये F1 वन प्लस के बराबर होगा समझ गए कि नहीं समझ गए समझे कि नहीं समझ गए फिर यहीं पर देखते हैं जो बल होता है ना वो दो तरीके का होता है अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं फोर्स जो है ना वो दो तरीके का होता है एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जैसे कि अभी अभी लाइव एग्जांपल देता है जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मेरे बगल में कोई पढ़ रहा वो हो, होगा मेरे बगल में मान लो कोई बैठ के पढ़ रहा है मेरी क्लास को हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो एक मेरा कॉन्टेक्ट फोर्स होगा कि जैसे ही उसने कहा हम नहीं पढ़ेंगे या अगर इसने इधर उधर हमने चट्टा से उसको एक मार दी ठीक है तो वो एक कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया कि एकदम कॉन्टेक्ट में है और वो बढ़ रहा है बेचारा क्योंकि एकदम से मेरा हाथ एकदम यहीं पे चट्टा से पड़ जाएगी और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि हम लोग हैं हम तुम्हारा मोबाइल हाथ हमें तो पता भी नहीं है बीच में कितने बच्चे हैं या कौन कौन है कौन भाग गया कौन आ गया ठीक है लेकिन मैम कह रही है तो पढ़ लेते हैं हमारे लिए ही कह रही है मैम है ना कहीं ना कहीं हमारे फायदा होगा क्योंकि हम पता है क्या वाली क्लास क्यों दे, दे रहे हैं एकदम उससे जब 21 जनवरी को आप एग्जाम दे के ना और जब आपका रिजल्ट आए तो आपसे आप, आप तो आप हो गया अच्छा तो टफ आया हम नहीं कर पाए इस तरीके की बातें नहीं चाहिए ठीक है तो हम कह रहे हैं अभी मेहनत कर लो अभी टाइम है ठीक है जैसे मेहनत करना चाहते हो कर लो ठीक है लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा लगा करके दे दो तो बस इसलिए भी बाकी आते मुद्दे पे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की मैम कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन एक फोर्स लगा हुआ है कि मैम नहीं पढ़ लेते मैम चाह रही मेहनत कर रही है तो लाओ हम पढ़ लेते तो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स इसको कह देते हैं तो दो तरीके का फोर्स होता है एक संपर्क बल और गैर संपर्क बल तो संपर्क बल हमारा क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे कौन कौन से होते एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स एक होता है घर्षण बल घर्षण बल हमारा क्या होता है मतलब जैसे ये अर्थ पे दोनों चीजें एक दूसरे को टच कर रही हैं, दोनों चीजें एक दूसरे को टच कर रही हैं, ठीक है तो ये हमारा क्या है कांटेक्ट फोर्स है और घर्षण बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है

जो है ना नीचे है तो वो दूर से एक अपने ऊपर अट्रैक्ट कर ले रहा तो है तो हाँ मम्मी का थप्पड़ के थप्पड़ का डर एक नॉन कॉन्टेक्ट बिल्कुल सही गुड़िया सिंह ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से कोई वस्तु तो नीचे की तरफ गिर रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही जो बचपन में खूब करते थे सूखे सूखे बाल होते थे कंगी करते थे पेज फाड़ते थे देखो आप तुम्हें जादू दिखाए सारे पेज उस पर पे जाके चिपक जाते थे वो कौन सा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत स्थिर विद्युत बल ठीक है अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता ये देखो ये देखो भाई ये देखो ये देखो ये देखो कंसिडर द फॉलोइंग फोर्स नीचे दिए गए बलों पर विचार करिए अरे तुम्हें विचार नहीं करना तुम्हें जवाब भी देना है है ना पता चला विचार ही करते रहो जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता गांधी जी पर प्रकाश डालिए गांधी जी बना दिए और टॉर्च बना दी उनका प्रकाश उन पर तो विचार, विचार जवाब देना ए बी सी डी के फॉर्म में ठीक है मस्कुलर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अतः लास्ट में एक लाइन है इस लाइन को पढ़ना ना भूलें अदरवाइज आप गलत कर दोगे विचार ही करते रह जाओगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर नॉन टैक्ट फोर्स कौन सा है दीपिका सोनम मिनी शाहदेब पमित सिद्धि मिनी संध्या सारे बच्चे विचार ना करके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बताएंगे ठीक है और कोई मोए मोए नहीं करेगा ठीक है क्योंकि तुम्हारा ही होगा यहां किसी का नहीं होगा ठीक है चलो जल्दी से बताओ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देखो मस्कुलर फोर्स टच कर रहा होता है तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दूर से लग रहा होता है ना मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया घर्षण तो e. सही हो जाएगा देखो, ये, में पूछा गया है। ये वाला प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है चलो भाई ये मैग्नेट का क्वेश्चन कहां से बीच में आ गया रुक रहा ये मैग्नेट कहां से बीच में आ गए ये वाला क्वेश्चन

पी इक्वल टू एफोपोन में फोर्स का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट ध्यान रखिएगा इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके अलावा प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल ठीक है इसके अलावा अदर यूनिट क्या होती है इनकी पास्कल होती है अब इनके क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे अच्छे लगाए थे पर वो क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है नीचे है ठीक है ठीक है ठीक है मिल गया क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गए क्वेश्चन चलो अच्छा इस वाले क्वेश्चन को बताओ इस वाले क्वेश्चन को बताओ फिर आगे बढ़ते हैं फिर समझाते हैं एक दूसरे को जी पीवल टू एफोपोन में एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा पीअल टू एफोपोन में एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ेगा चलो जल्दी से बताओ अरे अब घर पे आ रहे बट आओ बिल्कुल आराम से आओ एमपीएड वालों के लिए एक सीरीज क्योंकि बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं और वो भी सारी चीजें तीन दिन आपका नाइन टेंथ का चैप्टर चलेगा तीन दिन आपके एक बजे वाली क्लास में तीन दिन इलेवन ट्वेल्थ का चलेगा ठीक है ताकि उनसे हम लोग चीजें कवर करें तीन तीन दिन इस तरीके से पढ़ेंगे कोई चीजें छोड़ेंगे नहीं कि ये चीजें मेहनत तो और कर लेते तो हो जाता चलो भाई बताओ इन्हें बताओ दाब क्षेत्रफल के क्षेत्रफलानुपात होते है? बिल्कुल सही दाब की दिशा आरोपित बल के विपरीत होती है नहीं डायरेक्टली प्रपोशन गलत दाब और बल का मात्रक एक ही नहीं पाप लगेगा तुम्हें ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली ए सही है ठीक है ऑप्शन नंबर ए मतलब ओनली ए यानी ऑप्शन नंबर बी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधों से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है बताएंगे बताएंगे बोलो क्या हो जाएगा एक हजार चार बच्चे तुम चौथा ऑप्शन कह रहे हो ऐसे कैसे हो सकता है बैग द्वारा लगाया गया जाने वाला दाब घट जाता है अगर बड़ी और चौड़ी पट्टिया अपॉन में एरिया बढ़ रहा है।, है ना देश आगे बढ़ रहा है दाब कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन रिलेशन ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो ठीक है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो अब थोड़ा सा ना घर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे एक चैप्टर है आपका आगे फ्रिक्शन चैप्टर ठीक है आगे आपका एक टॉपिक है फ्रिक्शन एक मैंने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ऐड किया था पता नहीं वो क्वेश्चन कहां भग गया है चलो कोई बात नहीं पढ़ा रहने दो कभी मिलेंगे बीच में तो हम बताएंगे है ना चलो कोई नहीं घर्षण क्या होता है फ्रिक्शन क्या होता है तो तरुणों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहा जाता है द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाई फ्लू जब पानी के द्वारा फ्लूड के द्वारा जब घर्षण बल लगता है तो उसको हम लोग ड्रैग कहते हैं बाकी फ्रिक्शनल फ्रिक्शन के बारे में बताई दिया घर्षण बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ठीक है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं चलो भाई ये पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है अभी फिर इनके क्वेश्चन भी मैंने ऐड करे हुए हैं फिर मैंने इनके क्वेश्चन भी ऐड करे हुए हैं ठीक है थीके? पहले ये पढ़ लो क्योंकि यहीं से सारी चीजें क्लियर जाएंगी घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है या दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है अच्छा एक चीज और हाँ ठीक है एक चीज और सवा चार बजे अपनी क्लास होती है ना साइंस की एप्लीकेशन पर वो वाली शाम को छह बजे होगी वो वाली शाम को छह बजे होगी क्योंकि अभी हम लोग यहीं पे पढ़ रहे हैं घर्षण बल रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। मतलब इस ऊपर वाली पर भी नीचे वाली पर भी दोनों पर ही कार्य करता है इंग्लिश वाला देख लो नहीं तो बोलोगे समझ नहीं आया फ्रिक्शन अपोज़ेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेस इन कॉन्टेक्ट इट एक्ट एज बोथ ऑफ दर्फेस ठीक है ये दोनों सर्फेस पर कार्य करता है ठीक अच्छा ये लुढ़क गए हैं कोई बात नहीं तुम हंस लो घर्षण संपर्क के दो प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है ठीक है वो डिपेंड करता है पर हो बर्फ पर हम चल क्यों नहीं पाते हैं बर्फ पर हम क्यों नहीं चल पाते हैं अगर चिकनी सतह होगी अगर सतह चिकनी है तो वहां पर क्या होगा घर्षण कम होगा वहां फ्रिक्शन कम होगा अगर खुर्दूरी सतह है अगर खुरदूरी सतह है तो घर्षण अधिक होगा ठीक है तो घर्षण अधिक होगा ठीक तो दिए गए प्रश्नों के युगल के लिए घर्षण इन प्रश्नों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो प्रश्न एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं है ना कितने बलपूर्वक दबा रहे हैं स्थातिक घर्षण चलो अच्छा यहां से पढ़ लो घर्षण कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं एक होता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन

फोर्स लगानी स्थिर है तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर जब चीजें गिरे नहीं स्थिर अवस्था में रहे तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक में ठीक है किस में स्टैटिक में फिर तुम्हारी स्लाइडिंग में फिर तुम्हारी रोलिंग में इसको ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे अगर इसको ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे हाँ कैरम में चिकना करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कम करने के लिए हम उस उसपे पाउडर वगैरह डाल देते हैं ठीक है गेट वगैरह में अच्छे से खुल जाए ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल दबा रहे होते हैं स्टार्टिक घर्षण बल तब कार्य करना आरंभ करते हैं जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति के लाने का प्रयास करते हैं। तब हमारा स्टैटिक स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है मतलब एक रेस्ट की पोजीशन पर रखा हुआ है फिर हम उसको घसीटना है कहीं पर ले जाने के लिए तो वहां पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होता है ठीक है तो ये देखो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट फॉर ना गिवन पेयर ऑफ सर्फेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दीस सरफेस ऑफ दी सर्फेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसेस प्रेस टुगेदर

greater than sliding ठीक है friction is important for many of our activities भाई जरूरी होता है नहीं तो हम गिर ही जाएंगे चल ही नहीं पाएंगे हम जमीन पर क्यों चल पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से ही क्योंकि आधी क्या खुरदुरी सतह क्यों बनाई जाती है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग सरफेस रफ सरफेस फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं सरफेस फ्रिक्शन को हम सरफेस को खुरदुरा बना करके बढ़ा सकते हैं द सोल ऑफ शूज एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल आर

हम फ्रिक्शन चिकनी वाली वस्तुओं को इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं वेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन यस तो भाई रोलिंग स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन रोलिंग ये आपको बता चुके अभी आपको क्वेश्चन में भी मिलेंगे ठीक है इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाई यूजिंग बॉल बियरिंग बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके भी फ्रिक्शन को कम किया जाता है जैसे आपको पता है जो हम लोग पैडल साइकिल पर मान ऐसे-ऐसे करते रहते हैं, हैं उसमें पड़े होते घुमाने के लिए बॉल बेरिंग उसी तरीके का होता है फ्लूड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सूटेबल शेप्स टू बॉडी अगर ऐसे ना जहाज वगैरह हो गए तो उसमें भी फ्लूड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाई गिविंग सूटेबल सेप टू बॉडी ठीक है चलो भाई आगे बढ़ेंगे ये देखो जूते में सोल टायर इस तरीके से हिंदी वाले बच्चे सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है इसका ना थोड़ा टफ है सर्पी सर्पी इसलिए मैंने इंग्लिश में पहले बता दिया घर्षण 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 से कम होता है हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण है किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है जूतों की तली वाहनों के टायर घर्षण बनाने के लिए खाचे दर बनाए जाते हैं कभी कभी घर्षण अवांछनीय भी होता है स्नेहक लगा करके घर्षण को बढ़ा सकते हैं ये लो भाई ये लो मिठाई खाओ मुंह मीठा करो पढ़ने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर यूजफुल आउटकम्स उपयोगी परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है लो मिलो रिश्तेदार से अपने जूतों की तली तलवों पर खांचे बना करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं ट्रकों के टायरों को खांचेदार बना करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं स्वचालित वाहनों में ब्रेक पैड का उपयोग करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं मशीन के गतिशील पूर्जों के बीच ग्रेफाइट की परत बना करके फ्रिक्शन को कम कर, कर सकते हैं बताओ चलो भाई बताओ और बताने के बाद कर लो दुनिया मुट्ठी में है ना बताएंगे सारे बच्चे सारे बच्चे बताएंगे सारे बच्चे सारे बच्चे बताएंगे हम्म सारे बच्चे बताएंगे बिल्कुल भैया इससे फ्रिक्शन बढ़ेगा इससे बढ़ेगा इससे बढ़ेगा ग्रेफाइट का इस्तेमाल करके उसको चुक चिकना बना करके घर्षण को कम कर सकते हो चलो भाई एक ये, ये वाला क्वेश्चन पांच किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित छत्तीस पृष्ठ पर दस मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा जल्दी बताओ हो गई दुनिया मुट्ठी में कर लो असल में ऐसा होता है ना थक जाओ तो अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं बस वही वाली हाल है नियत वेग वेलोसिटी फिक्स हो गई एसेलरेशन जीरो

चलो इसको दूसरी जगह पर ले चल ले चलो मतलब फिर फिर वहां पे कुछ महीने बाद फिर कहेंगे नहीं ये वाला बक्सा यहाँ नहीं होना चाहिए इसको उठा करके अलमारी हो गया बक्सा बक्सा चलो अब इसको उठा के इधर रखवा हो चल के है ना संडे वनडे के दिन तो बस आधी हालत तो इसी में खराब है ना तो बस वही है ऐसे रेशमा को भी कमरे में जमीन पर पड़े विशाल बक्से को सरकाने के लिए किस बल से अधिक बल लगाना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल फोर्स मस्कुलर फोर्स जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे मम्मी मेरी सुने तो मैं कूचे भी मतलब हद है है ना स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल फोर्स मस्कुलर फोर्स क्या हो जाएगा स्टैटिक फोर्स ओ सॉरी स्टैटिक नहीं कहां गया हां स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक घर्षण स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है ठीक है समझ गया कि नहीं समझे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि स्टैटिक मतलब क्या है कोई वस्तु जमीन पर स्थिर अवस्था में रख रही है उसको हम गति की अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं स्टैटिक से ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा अभी पीछे कॉन्सेप्ट में यही तो पढ़ा है तुमने डी क्यों नहीं होगा अरे नहीं हमको मस्कुलर मस्कुलर फोर्स हो गया कि हम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्वेश्चन कह रहा है किस बल से अधिक बल लगाना है तो उस बक्से का जितना वजन है उस बक्से में जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी तो हम जिसको खिसका सकते हैं ठीक चलो भाई ए वाला ऑप्शन चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न इसे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ऑफ लाइंग एट रेस्ट

भाई एक टेबल पे किताब रखी हुई है कह रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से बीच में आ गया नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट ये तो मतलब खत्म ही काम अर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट आप चेयर पे आराम से बैठ पाते हो किसकी वजह से क्योंकि एक बैलेंस फोर्स काम कर रहा होता है ये देखो स्टैटिक पे चले जाओ यहाँ पे क्या लिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स सिर्फ स्टैटिक थोड़ी लग रहा है बैलेंस्ड फोर्स भी तो है तो अर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट डी वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आपका ऐसा कीर्ति श्रद्धा श्वेता पूजा प्रियंका मिनी शिवांगी सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज दिन कौन सा स्टेटमेंट गलत है रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन सारे बच्चे बताएंगे कौन सा कथन असत्य लिखा हुआ है सत्य नहीं है असत्य है सत्य नहीं असत्य है बस यही बता दो तुम सत्य नहीं असत्य है अभी अभी बताया गया है भाई रोलिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग ऐसा होता है क्या नहीं यही तो गलत लिखा है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अच्छा डी वाला नहीं दिख रहा था कोई बात नहीं चलो भाई अब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया अब तुम्हारा कौन सा चैप्टर आया है अब तुम्हारा परीक्षण के बाद चैप्टर नंबर चैप्टर 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 नंबर नंबर साउंड साउंड पता चला तुम्हें दो घंटे हो चुकी है दो घंटे ठीक है दसवा चैप्टर पे पहुंच गए दसवें चैप्टर पर ठीक है तेरह चैप्टर क्लास एट तो खत्म ही कर देना है और तुम्हें तो पता है एकदम ढंग से मैंने करवाया है और बहुत स्पीड भी मैंने नहीं पकड़ी कि एकदम हवा में उड़ा दिया हो सारी चीजें हमने आपको दी एकदम बेस्ट तरीके से बाकी पढ़ते रहो करते रहो एनर्जी रहती है तो और सारी चीजें भी नहीं तो भी नए साल की पहली मैराथन भी तो आएगी है ना बस पढ़ते रहो इसको लेकिन खत्म कर लो इस चीज को आज इसको खत्म करके चीजें करेंगे ठीक है भाई ध्वनि के बारे में ध्वनि आप जानते हो क्या होती है तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है है ना ध्वनि क्या है ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमें सुनने में मदद करती है आपको पता है जब वाइब्रेशन उत्पन्न होते कंपन उत्पन्न होते बोल के देखो जब आप बोलते हो तो गले में आवाज हाथ रखो गले में हाथ रखो तो यहाँ पर क्या वाइब्रेशन उत्पन्न होते है ना वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं तो कंपन है। तो के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है ठीक इसके अलावा अभी आपको बताएंगे ध्वनि के log, होगा, मैंने पहले बताया था। भाई एनर्जी हमें मिलेगी हम पढ़ाएंगे तो तुम भी अच्छे से पढ़ रहे हो बस यही से पांच बजे तक चला है चलो पांच बजे तक पढ़ते छह बजे तक पढ़ते ठीक है तो ध्वनि क्या होती है किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना ही क्या कहलाता है कंपन कहलाता है मतलब ध्वनि तो अलग हो गया यहां पर पहले बात करते हैं कंपन हैं इसी गति को क्या कहते हैं दोलन कहा जाता है ठीक है किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कंपन कहलाता है क्या गति को क्या कहते हैं दोलन गति कहते हैं द नंबर ऑफ ऑक्सीन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीेशन ठीक है of oscillation frequency of oscillation, इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कहा जाता है ठीक है और इसके अलावा ये भी पूछते प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को ही क्या कहते हैं प्रति सेकंड होने वाले एक सेकंड में होने वाले दोलन को हम लोग आवर्तकाल आवर्तकाल हाँ एक सेकंड में होने वाले दोलनों को क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं और एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं एक दोलन को पूरा करने में लगे समय आवर्तकाल कहते हैं और प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं तो फ्रीक्वेंसी

मनुष्यों में पुरुषों में जब आप देखते हो पुरुषों में यहाँ पर वॉक जो होती है ये बीस एम एम लंबी होती है महिलाओं में इसकी लंबाई कितनी होती है फिफ्टीन एम एम होती है बच्चों में वॉक तन तो बहुत छोटे होते हैं यही कारण है कि पुरुषों महिलाओं और बच्चों की वाक दुनिया भिन्न भिन्न होती है पुरुष की आवाज आपको पता चलती है महिला की आवाज आपको पता चलती है बच्चे की आवाज भी आपको पता चलती है क्योंकि पुरुषों की बीस एम एम लंबी होती है महिलाओं की पंद्रह एम एम बच्चों की तो बहुत छोटी होती है इसके अलावा ये रहा मेन पॉइंट ठीक है मेन पॉइंट ये ध्वनि की प्रबलता ठीक है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग बाय द साउंड ठीक है बहुत है मतलब क्लास में ना कुछ भी हो जाता है प्रबलता प्रबलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर समझ गया कि नहीं लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी अगर हम आयाम को दुगना करेंगे अगर हम आयाम को दुगना करेंगे तो लाउडनेस चार गुना हो जाएगी क्योंकि आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि हाँ दि, 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 लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है आप चैट ऑफ करो और वीडियो बस देखो बस पढ़ने से मतलब है ठीक है अभी पढ़ना जरूरी है ठीक है बाकी किसी चीज पर ध्यान मत दो आयाम दुगना करोगे तो लाउडनेस दुगनी हो जाएगी अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है प्रबलता को किसमें मापते हैं ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है ध्वनि की प्रबलता को किससे मापते हैं किसमें व्यक्त किया जाता है डेसिबल में मापते हैं यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है नॉर्मल ब्रीदिंग हम बैठ के सिर्फ सांस ले रहे हैं कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है दस डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है उससे दस डेसिबल अगर हम धीरे धीरे फुसफुसाहट कान में चुगली जैसे पड़ोसियों में देखने को मिलता है ना फुस फुसफस करके बता रही थे वो कितनी तीस डेसिबल की ध्वनि होती है कितनी तीस डेसी की ध्वनि सामान्य बातचीत वार्तालाप तुम्हें तो पता है आज हम लोग न्यू ईयर पे ना यहाँ ऑफर चल रहा है और वहां पे बढ़िया बढ़िया से कपड़े आए हैं हैं ये वो नॉर्मल बातचीत डेसिबल यातायात हॉर्न बजा रहे है, है ना जब ट्रैफिक में फंस गए हो सेवेंटी डेसिबल और फैक्ट्रियों में अस्सी डेसिबल औसत फैक्ट्री में जो है एवरेज फैक्ट्री में 80 डेसिबल होता है बाकी आपको पता ही है कि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है हमारे लिए कठिनाई होती है मतलब हमें नहीं सुननी चाहिए आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द shrillness ऑफ पिच ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी पिच किस पर निर्भर करती है पिच किस पर डिपेंड करती है अभी क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यदि कंपन की फ्रीक्वेंसी अधिक है तो ध्वनि तीखी होगी पिच से पता चलता है कि ध्वनि हमारी आवाज हमारी मोटी है या फिर पतली है यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्व भी कम होगा तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर वी सेड एट द साउंड इज रिल एंड हाइयर पिच ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई ढोल नगाड़े वगैरह बजाते हो तो आपको पता है, है। इसलिए वह तो अधिक, अधिक तारत्व की ध्वनि को उत्पन्न करता है तो ढोल में सुनना ध्यान से यहाँ से पूछ सकता है ढोल की पिच कम होती है सीटी की पिच ज्यादा होती क्योंकि इस बार पूछा गया था शेर और मच्छर में पक्षी उच्च तारत्व की धुन ध्वनि उत्पन्न करते हैं जबकि शेर निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है ठीक है भाई मतलब आवाज तीखी और आवाज तेज लाउड लाउडनेस बताता है तो शेर का पिच कम होता है पक्षी की पिच ज्यादा होती है शेर की दहाड़ ज्यादा होता है शेर की लाउडनेस ज्यादा होती है पक्षियों की लाउडनेस कम होती है समझ गया कि नहीं समझ गया तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ देता है अब यहाँ से भी आता है कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज कितना होता है ह्यूमन ऑडिबल रेंज ठीक है ह्यूमन ऑडिबल रेंज कितना होता है तो ये होता है बीस हर्ष से बीस हजार हर्ष तक की ध्वनि ठीक है बीस हर्ष से बीस हजार हर्ष तक की ध्वनि तरंगे ये ह्यूमन ऑडिबल रेंज होता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये क्या देख रहे हो कान यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया था कान की संरचना सबसे पहले कान में आवाज हमारी कहां पर जाती है तो यह कर्ण पटा पर जाती है कर्ण पटा क्या बोलते हैं तो की कीप जैसी होती है कान की बाहरी संरचना कैसी होती है ठीक है कीप जैसी होती है जब ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है इसे कर्ण या फिर ईयर ड्रम कहते हैं ध्वनि हमारी जाती है तो आगे ही क्या होता है ईयर ड्रम सबसे पहले ध्वनि हमारी यहाँ पर पहुंचती है ये देखो ये कान का सिरा होता है यह ये यहाँ पर ईयर ड्रम फिर अंदर अंदर, अंदर आंतरिक कर्ण होता है

वाइब्रेशन होता है वही ईयर ड्रम कंपनों को आंतर इनर तो हमारे अंदर वाले कान तक इनर वाले कान तक इनर ईयर तक ही भेज देती है वहां से संकेतकों को, को मस्तिष्क तक और वो हमारे मस्तिष्क में भेज देते हैं इन्फॉर्मेशन को इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं देखो अभी तक की क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है लेकिन पूछ सकता है होता है क्या है कि हमारा कान बाहरी सिरा कीप के जैसा होता है ध्वनि जाती है तो ईयर ड्रम में और ईयर ड्रम से फिर वो इनर ईयर में और इनर ईयर से सिग्नल्स हमारे बात हमारी मस्तिष्क में जाती है और वहां से फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं तो कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है फ्रिक्वेंसी क्या होती है तो प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं हर से मेजर करते हैं ठीक है इनर ईयर ठीक है इनर ईयर ठीक चलो भाई आगे ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करिए कंपन द लोअर ऑफ द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी पिच उतनी अधिक होगी ध्वनि की तीव्रता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है ध्वनि की पिच उसके आयाम से निर्धारित होती है चलो इसे बताओ चलो भाई बताओ जल्दी से सारे बच्चे बताएं क्या एनर्जी चली गई खत्म हो गई बोल हम रहे खड़े हमें पढ़ा हम रहे तुम सब तो रजाई के अंदर बैठे हो तो तुम्हारी एनर्जी क्या खत्म हो गई एनर्जी खत्म हो गई तुम्हारी ठीक है कह रहा है सही कथन की पहचान करिए आवृत्ति जितनी कम होगी पिच उतनी अधिक होगी गलत आवृत्ति जितनी अधिक होगी पिच भी उतनी अधिक होगी तीव्रता कंपन की आवृत्ति से नहीं तीव्रता उसकी लाउडनेस एम्पलीट्यूड से डिफाइन होती है ध्वनि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम यस ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो निर्वात में यात्रा नहीं कमर कर सकती तो इसी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है चलो भाई अगला वाला क्वेश्चन वाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ये क्या कहता है अंडर विच ऑफ दंडीशन विल विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन एयर बी परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम किन परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में वायु वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी बताएंगे किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी Uh, फिर से फिर से फिर से फोर्टी डिग्री मोइस्ट एयर में ठीक है फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड मोइस्ट एयर में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी वायु में जो है ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होगी साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग किनमें ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती हैं किनमें ध्वनि तरंगे लकड़ी के स्केल से धातु का तार कपड़े के धागे से निर्वात से किसमें ध्वनि तरंगे गति नहीं करती है आपको पता है आ, स्पीड ऑफ साउंड मैंने नहीं बताया ना स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होती है सॉलिड में होती है फिर लिक्विड में होती है फिर गैस में होती है और साउंड हमारी कैसी वेव है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है लोंगिट्यूडनल वेव है, साउंड हमारी लॉन्गीट्यूडिनल वेव होती है आगे बात समझ में तो ये निर्वात में गति नहीं कर सकती है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ज है तो 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा ओ इक्वल टू एफटी ओ इक्वल टू एफटी मैंने बताया था ए4 शीट पे इस फॉर्मूले को नोट कर लो ठीक है दोलन कितने पूरे करेगा 2 हर्ज 16 सेकंड 16 दूनी 32 नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे 32 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के बीच क्या संबंध है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है ये बताएंगे लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है आपको पता है लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ठीक है लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ ए बी सी डी रिप्रेजेंट दीडिया चार माध्यम को प्रदर्शित करते हैं किसमें अधिकतम होगा किसमें न्यूनतम न्यूनतम होगा ध्वनि की पहले फिर अधिकतम आपको पता है माध्यम की आवश्यकता कम होती है तो भाई सबसे कम ए में सबसे ज्यादा में सबसे कम ए में सबसे ज्यादा में ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है

बिल्कुल सही कौन सा सही नहीं है समान तीव्रता की दो इन तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होती है ये इसमें गलत लिखा गया है बाकी चीजें सही है साउंड फ्रॉम वन एंड फ्लूट प्लेड एट सेम टाइम ट्रेवल एट सेम स्पीड स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर इज मोर देन डेट अ रूम टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एफेक्टेड बाई डेंसिटी ऑफ मीडियम ठीक है माध्यम पर निर्भर करता है आपको पता है ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चलिए अगला वाला क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल करेक्ट ऑप्शन पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अवश्रव्य है मानव कान की श्रवण सीमा 20 से 20,000 है ए और आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या करता है ए और आर दोनों सही जल्दी बताओ फिर हम लोग अगले चैप्टर पर चले जल्दी बताओ फिर हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे चैप्टर नंबर अभी तो दसवा चल रहा है ना साउंड वाला चलो भाई बताओ क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही भाई पराश्रव्य ध्वनि तरंगे अच्छा ये भी बता देते हैं मैंने नहीं बताया पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे और रेंजेस रेंज कौन कौन सी होती है अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक है तुम्हारी बीस हार्ड से कम ऑडिबल तुम्हारी बीस हार्ड से बीस हजार हर्ड्स और अल्ट्रासोनिक बीस हजार भी अधिक ये हमें ये नहीं सुन सकते ये नहीं सुन सकते हम लोग ये वाली सुन सकते हैं चलो ये वाला सही हो गया अब हमारा ना ये चैप्टर नंबर इलेवन है इलेक्ट्रिसिटी का बट वो इलेक्ट्रिसिटी ना नीचे मैंने शायद ऐड कर दिया सबसे सबसे नीचे मैंने ऐड कर दिया उसके पहले एक छोटा सा चैप्टर है प्राकृतिक परिघटनाएं इसे देख लो ठीक है उसके पहले ये वाला देख लो प्राकृतिक परिघटनाएं आपको पता है जब तड़ित चालक बिजली वगैरह गिरने वाली होती बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गिर ना जाए तो इसके लिए क्या करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तड़ित चालक लगा देते हैं लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं ठीक है लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं यानी कि इसमें कॉपर का वायर कॉपर प्लेट एक जमीन से कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि क्या हो जाता है कि अगर बिजली गिरती भी है तो वो जमीन के अंदर चली जाती है जिससे कि वो जमीन के अंदर चली जाती है हाँ भाई पढ़ाएंगे खड़े हैं तब से तो कह रहे हैं एनर्जी मेरे खत्म नहीं होगी एकदम 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 दिमाग नहीं है अर्थ को एक भूकंप का चित्र देखो भूकंप कैसे आता है भूकंप ये अंदर की पृथ्वी यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है फोकस पॉइंट ये तुम्हारा क्या है फोकस और ये भूकंप जहां से आता है जिस बिंदु से इस वाले बिंदु को कहते हैं एपिसेंटर अधिकेंद्र ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है ठीक एपी सेंटर ठीक है ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है और ये इस तरीके की वेव्स जो बनती है ठीक है भूकंप की तीव्रता को किस मापते हैं भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं पे पे है। भूकंप जहां से निकलता है उस बिंदु को एपी सेंटर कहते हैं अंदर वाला पार्ट फोकस होता है चलो अब इसको देखो दो चैप्टर बचे हुए हैं इसके बाद और वो दो बड़े बड़े चैप्टर हैं चलो कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है ठीक है कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ करके आवेशित किया जा सकता है तो आवेश कितने प्रकार के कि होते हैं है ना आपस में रगड़ दे तो चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं ना आवेश तुम्हारे दो प्रकार के एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ठीक है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या कहते हैं प्रतिकर्षित करते हैं क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं उनमें क्या होता है अट्रैक्शन होता है क्या, क्या, क्या रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं रगड़ से जो उत्पन्न होते हैं उनको स्थिर आवेश कहते हैं जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत द्वारा उत्पन्न होता है जब यही चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते करंट तो जनरेट uh, होती है कोई वस्तु तो है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युत दर्शी का प्रयोग किया जाता है ठीक है कोई वस्तु तो चार्ज है या नहीं इसके लिए हम लोग विद्युत दर्शी का प्रयोग करते हैं किसी आवेशित वस्तु तो के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने के लिए भूसंपर्कण अर्थ

ठीक है मे बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी चार्ज और नॉट ठीक है कोई बॉडी चार्ज है या फिर नहीं इसका पता लगाने के लिए कि यूज़ किसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं ठीक है किसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं अगला देखो तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को भी भाई बिजली वगैरह गिर जाए तो यह हमारी संपत्ति को भी तो नुकसान पहुंचाते हैं जीवन को भी तरह चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकते हैं पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं भूकंप कहते हैं भू पर पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं अंदर पृथ्वी के अंदर विक्षोभ आते हैं तो फिर भूकंप आता है भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं होती है पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहते हैं इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं भ्रंश क्षेत्र किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप हम लोग किससे करते हैं रिक्टर पैमाने से करते हैं किससे करते हैं रिक्टर पैमाने से रिक्टर पैमाने पर सात से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं हमें भूकंपों के बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए इंग्लिश विंग्लिश पढ़ लेना भाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग

पूरा एक दम अच्छे से मैंने करवाया दो बचे हुए अभी। हैं हैं अभी देखते हो हो पाते पाते कि नहीं हो पाते हैं। नहीं तो फिर ऐसे उसके बाद वाली क्लास सिक्स के लिए आएंगे क्योंकि भाई पूरे बुक को कवर करना ना भाई देख रहे हो ढाई घंटे हो चुके ठीक है विच ऑफ शुड बी एवॉडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉम टू सेफ गार्ड वन सेल्फ ठीक है तो अभी पूरा पढ़ लो क्योंकि वो दो चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने क्वेश्चन भी सारे साथ साथ करवाए हैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा बादलों का गर्जन के, कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए कौन से अगर लाइटनिंग होती है बाहर तो हमें कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए तार वाले फोन से बातचीत जमीन पर उडकू होकर बैठना मोबाइल का उपयोग करना या फिर छोटे पेड़ों में नीचे शरण लेना बताएंगे कौन सा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए तो हम तार वाले फोन से बातचीत नहीं करेंगे बाकी उडुकू होकर के बैठना चाहिए और मोबाइल का उपयोग करना चाहिए छोटे पेड़े के नीचे शरण लेनी चाहिए ठीक है ये देखो ये उडुकू होकर बैठे हुए हैं जब भी कभी आप बाहर हो ना हवा में खुले में और इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो तो इस तरीके से करके बैठ जाना चाहिए इससे हमें सुरक्षा मिलती है किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है वाई इज लाइटिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड ऑन अ बिल्डिंग ठीक है बताएंगे जल्दी से इट रिपल्स द लाइटिंग बिफोर इट फॉल्स ऑन अ बिल्डिंग यह तड़ित को इमारत पर गिरने से पहले जो है पहले ही विकर्षित कर देता है या बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है वहां कोई इमारत नहीं हो बताएंगे अभी एक फिगर दिखाए थे ना बस वही वाला है यह बिजली को क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत नहीं होती है ए वाला ऑप्शन होगा या सी वाला ऑप्शन होगा हाँ सही बात है ऐसी बातें करो चलो भाई बताओ जल्दी से क्या करता है बिजली के इमारत में टकराने से उत्पन्न आवेश को भूमि में भाई वो उसका कॉपर प्लेट अर्थ पे लगा हुआ होता है ना भूमि में वो संवरित कर देता है भूमि में संवरित कर देता है ठीक है एक ये वाला पार्ट पढ़ लो आठ अक्टूबर दो को भारत में उत्तरी कश्मीर के तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था इससे पहले गुजरात के भुज जिले में छब्बीस जनवरी दो को बड़ा भूकंप आया था तो ये वाला भी पॉइंट ध्यान रख लो। क्या नहीं बता रहे हैं तुमको सबसे बोल रहे हैं तो कह रहे हैं बता नहीं रहे हैं। अब एक चीज अब अगला वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पता है क्या क्वेश्चन के फॉर्म में पहले कर लो क्योंकि ये ना क्वेश्चन से क्लियर कर लोगे ये इलेक्ट्रिसिटी वाला ये चैप्टर नंबर है चैप्टर 11 है 12 कर चुके हूं अब ये इलेक्ट्रिसिटी का करने के बाद फिर लाइट चैप्टर ठीक है बस ये लास्ट और उसके बाद फिर लाइट खत्म वाली थी वही प्लीज क्या जो हम जो संडे को कराने वाली थी वही है प्लीज मैम बताइए हाँ जो संडे को कराने वाले थे वो यही है आज वही वही क्लास चल रही है ढाई घंटे हो चुके हैं आपके यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल्ब में विद्युत धारा गुजरती है तब उसका तंतु तो गर्म हो जाता है लेकिन विद्युत धारा को ले जाने वाली तार नहीं चमकती निम्न में से कौन सा इसका कारण हो सकता है बैटरी खत्म हो गई बता जल्दी से बी वाला ऑप्शन बी वाला कि डी वाला यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल में विद्युत धारा गुजरती है तो उसका तार ना तंतु में जो तंतु तो फिलामेंट जो गर्म हो जाता है लेकिन विद्युत धारा को ले जाने वाली तार नहीं चमकती ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तार की प्रतिरोधकता जो होती है ना वो तंतु से कम होती है तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम होती है

बिल्कुल आज क्लास एट तो खत्म ही कर देंगे कौन से केस में जब हम एक एक बल्ब लगा दें और एक दो बैटरी लगा दें दो सेल लगा दें ठीक है एक बल्ब और दो सेल लगा देते हैं तो हमारा बल्ब ज्यादा चमकेगा ठीक है तो हमारा बल्ब ज्यादा चमकेगा ध्यान रखना इसी के जैसा अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया ये देखो एक बल्ब के साथ दो दो सेल लगा दो जैसे तो ये और ज्यादा ज़्यादा चमकने लगेगा ठीक ये बताओ विच ऑफ दटेरियल इज बेस्ट सुटेड टू मेक अ फ्यूज वायर फ्यूज तार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं एस्टेट पेपर टू फिजिक्स का क्लास नहीं होता अभी कुछ क्लास नहीं हो रहा है, तीन को आपको एक दी जाएगी, है मीठा खा लिया करो एनर्जी वापस आती है जैसे आप बिस्किट खा सकते हो आप चॉकलेट खा सकते हो आप कॉफी पी सकते हो आप केक खा सकते हो तो यही सारी चीजें खा लो हम भी यही खा रहे हैं तुम भी खा के पढ़ो आराम से है ना फ्यूज का तार आपको पता है फ्यूज वायर किससे बनता है सीसा और टिन से मिलकर के बना हुआ होता है फ्यूज वायर सीसा और टिन से मिलकर के बना हुआ होता है तो फ्यूज का तार बनाने के लिए ना जिसका मेल्टिंग का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और रजिस्टिविटी जो है ये हाई होती है रजिस्टिविटी हाई होती है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ये होता है जेड ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा प्यूस्तार बनाने का सबसे उपयुक्त तरीका है जेड मटेरियल ले लो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो रजेस्टिविटी बहुत ज्यादा हो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेड के बारे में ये बताया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एक्वायर यदि जब हम दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ी जाती हैं तब वह अर्जित कर सकती हैं तब वह क्या अर्जित कर लेती हैं बताएंगे समान परिमाण के विजाती आवेश समान परिमाण के समान आवेश विभिन्न परिमाणों के विजाती आवेश लाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। चलो इसे बताओ भाई मैंने ये नहीं कहा था कि एनर्जी खत्म हो जाए तो तुम सो भी जाना हमने कहा कुछ मीठा खा लेना ठीक है और ये ना कहते मैम मीठी मीठी नींद लेकर के आए हैं है ना ये नहीं कोई कहेगा कौन प्रियंका बोल रही है मैम हम तो सो के आ गए जब दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं तो अनलाइक चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड की अनलाइक चार्जेस उत्पन्न होते हैं ठीक है अग, समान परिमाण के विजातीय आवेश उत्पन्न होते हैं चलो देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन मतलब फिर से राधिका दो समान सेलो को श्रेणी क्रम व्यवस्था में दो बल्बों को श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ दिया उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदलना चाहिए एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़े में बदलना चाहिए एक बल्ब को धातु की तार के टुकड़े में बदलना चाहिए एक बल्ब को एक सेल में बदलना चाहिए चलो बताओ दो बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं इनके साथ में दो सेल लगे हुए हैं हम चाहते हैं कि बल्ब धीरे जले हम चाहते हैं बल्ब धीरे जले तो हम क्या करेंगे इसके एक सेल की जगह पर धातु का तार जोड़ दो भाई एनर्जी हम तुम्हें खाने के लिए देंगे ही नहीं तो तुम पढ़ोगे कैसे तो हम तुमको खाने के लिए ना दे घर पे कम से कम चार घंटा पढ़ो कैसे पढ़ोगे भाई खा पी खाते रहो पढ़ते रहो तो वही एनर्जी ज्यादा नहीं देंगे तो कहां से चलेंगे ये तो सेल को एक धातु की तार के टुकड़े में बदल लेना चाहिए ताकि धातु के तार से करंट भी फ्लो होता रहेगा और बल्ब भी धीरे धीरे जलता रहेगा ठीक तो भाई ये वाले क्वेश्चन तो थे इलेक्ट्रिसिटी के अभी इसी में मैग्नेटिज्म भी चैप्टर इसी में ही रहता है ना तो अभी आपको एक मैग्नेट वाले क्वेश्चन करवाते हैं चुंबक वाले क्वेश्चन गए गए सब कुछ सीक्वेंस में लेकर के आए हैं सब कुछ सीक्वेंस में ही चल रहा है मेरी तरफ से सब कुछ अच्छा चल रहा है बस आप लोग सीख लो अच्छे से ये रहे क्वेश्चन ये लो संजना के पास तीन चुंबक ए बी तथा सी है जिनके ध्रुव क्रमशः ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू है चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर निम्न प्रेक्षण किया जाता है c1 में उत्तरी ध्रुव है अच्छा हां a1 रिपल्स b1 a1 रिपल्स c2 c1 इज नॉर्थ पोल इफ c1 इज नॉर्थ पोल हाँ ठीक है बस आप पढ़ते रहो बस आप पढ़ते रहो भाई सुधांशु गुप्ता आपने क्या पढ़ा था है ना ढंग से पहले पढ़ते नहीं हो फिर कहते हो चीजें नहीं आई मतलब आप मतलब वही चीजें ना कि घुमा फिरा करके किसी पर जाके मर दो मेरा वो नहीं हुआ भाई मेहनत आपने करी नहीं होगी सारी चीजें सारी क्लासेस करी थी आपने ये बता दो सारी क्लासेस आपने करी थी ईमानदारी से बताना एकदम अपने मन से सोच करके बताओ कहना आसान होता मेरा ये नहीं आया वो नहीं आया बाकी बच्चों को पता है कितनी सारी चीजें आई है है ना सारे बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं है ना तो वो ना कोई कोई बीच में बस खराब कर देना माहौल खराब कर देना ताकि तो ऐसी चीजें मत क्या करो है ना यदि सीवन उत्तरी ध्रुव है तो कौन सा कथन सत्य है सीवन उत्तरी ध्रुव है तो कौन सा कथन सत्य है अच्छा मैथ्स की क्लास है चलो ठीक ठीक है, थीक है लेकिन कर लो इसको इसी को कर लो फिर एक चैप्टर बचेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा जैसे मान लो ये ए वन ए टू ये बी वन बी टू फिर तो मारा ये सी वन सी टू ठीक है सी वन जो है वन का नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है ए वन बी वन को रिपेल कर रहा है मतलब सेम चार्जेस ए वन ए वन सी टू को भी रिपल कर रहा है मतलब सेम चार्जेस। ये साउथ है तो ये साउथ है ये साउथ है तो ये साउथ है ये साउथ है, है तो ये नॉर्थ है अब बताएंगे बोथ बी वन एंड ए वन आर साउथ पोल ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ठीक है समझ गया कि नहीं समझे ऑप्शन नंबर डी आपका बस मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन कर लो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन कर लो ताकि चीजें खत्म हो हमारी। जब एक चुंबक लोहे के बुरादे के बुरादे समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकता है लोहे का बुरादा अधिकांशता मध्य में केवल मध्य सभी जगह समान रूप से अधिकांशता दोनों किनारों पर ठीक है बताएंगे तो अधिकांशता दोनों किनारों पर सबसे ज्यादा दोनों किनारों पर चिपकता है ठीक है सबसे ज्यादा दोनों किनारों पर चिपकता है, है समझ समझ गया गया दोनों किनारों पर चिपकता है। अगला अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से चुंबक को विचुंबकित करने की विधिका सुझाव देने के लिए कहा कुछ उत्तर है। चुंबक को कई बार जमीन पर गिराओ चुम्बक के दो टुकड़े कर दो चुंबक को गर्म कर दो चुंबक को जल में फेंक दो चुम्बक को हथौड़े में पीट दो हाँ प्रज्ञा सिंह एक ही बचा हुआ है लाइट चैप्टर ठीक है लाइट बचा हुआ है बारह वाला नहीं समझ में आ अच्छा बताते हैं भाई कई बार जमीन पर गिराओगे तो भी चुंबकत्व खत्म हो जाएगा दो टुकड़े कर दोगे तो ये नहीं, नहीं होगा गर्म कर दोगे तो भी खत्म होगा जल में फेंक दोगे तो भी नहीं होगा हथौड़ा हाँ से पिटोगे तो भी हो जाएगा ए ई ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए सही चुनाव करिए दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबक का तो खो देता है क्या चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु की सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो दो भागों में तोड़े चुंबक को खो देता है नहीं पहला वाला तो गलत चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है बिल्कुल सही तो अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है ऑप्शन नंबर डी अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है ठीक है एक ये वाला क्वेश्चन आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है दस छड़ चुंबक दिए गए हैं जिसमें चुंबक के एक ध्रुव को आप आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी दस चुंबकों को दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएंगे दस चुंबक हैं आपको एक का पता है पोल की वो नॉर्थ है या कुछ भी पता है तो आप उससे पता कर ले जाओगे ना तो आपको और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन है हमको कोई भी नहीं चाहिए हम एक से ही पता कर लेंगे अगर अट्रैक्ट किया अट्रैक्शन एक सेम पोल है अपोजिट पोल है अट्रैक्ट करेगा सेम पोल है तो रिपल्सन होगी निम्न कथनों को पढ़े अश्वनाल चुंबक के प्रति अप्रबल चुंबक है अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के प्रति निकट होते हैं चलो इसे भी बता दो तो भाई अः दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है अश्वनाल चुंबक तुम्हारा इस तरीके का चुंबक होता है ठीक है तुम्हारा इस तरीके का चुंबक होता है तो चलो भाई इतना ही रखते हैं आज के लिए आपका एक चैप्टर बच रहा है पता है क्या अच्छे से ही पढ़ाना चाह रहे हैं देखो ये सब लेकर के आए थे क्लास सेवन्थ का ये सब कुछ है तुम्हारा ये क्लास सिक्स का है सब कुछ तुम्हारा ये सब देखो लेकर के आए थे लेकिन वही है ना कि भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया बहुत सारे कितने घंटे होगा? तीन घंटे होगा, तीन घंटे है ना तो इस वजह से दस के में। तो ना बोलना भी एक लाइट चैप्टर तुमको पता है ना बड़ा भी चैप्टर है तो अगर हम जल्दी जल्दी से निपटा देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, है ना अगर हम जल्दी निपटा देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है निपटा तो हम देंगे दस मिनट में लेकिन फायदा नहीं है तो फायदा लेने के लिए ना अभी हम Uh, जनवरी में ठीक है जनवरी में जो मैराथन लगवाएंगे इसी तरीके के संडे को लगवाएंगे इस संडे को नहीं अगले संडे को अभी तो कल ही संडे है ना कल नहीं अगले संडे को लगवाएंगे हम उसमें लाइट के साथ साथ क्लास सेवन तो हम क्लास वाइज लेकर के आएंगे क्योंकि एक एक चीज कवर करने में ना टाइम लग रहा है तो क्लास सेवन बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बता दो हाँ हाँ बिल्कुल 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 क्लास कैसी लगी कल या परसों करवा दीजिए देखो हाँ अच्छा एक इंफॉर्मेशन देनी थी भाई मंडे को आपका क्या आ रहा है मंडे को आपका 2 पर एक ऐसी क्लास आ रही है जिसमें कि कि पेडागोजी पेडागोजी के के लिए बहुत के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं चाहे ईवीएस वाले बच्चे हो चाहे साइंस वाले बच्चे हो सिलेक्टेड कुछ पॉइंट्स बताएंगे कुछ टर्म्स बताएंगे जो कि आपकी पेडागोजी में हेल्प करेंगे

ऑल दी बेस्ट बढ़िया से एग्जाम दो मैंने सारा कवर किया इसमें कुछ नहीं छूटा तुम किताब पढ़ोगे ना तो उस नया पॉइंट नहीं मिलेगा ठीक है बाकी आप भी पढ़ना अपने से भी पढ़ना अच्छे से पढ़ना चलिए थैंक यू सो मच ठीक है बाय टेक केयर बाकी कमेंट करके जरूर से बताना एकदम ईमानदारी से बताना सारे बच्चे सारे मतलब सारे कमेंट करोगे ना मुझे बहुत अच्छा सबके कमेंट्स पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा भी लगेगा ठीक है तो थैंक यू बाय टेक केयर